नमो अजायाणम नमो लोहे सब साहूणम गुरु उपदेशन में उपादान बलहीन जो नर दूजे पाव बिन चलवे को आधीन हो जाना था एक ही उपादान सोकान थके सहाय पान बिन पानी माहि जहाज ज्ञान नैन क्रिया चरण दोष वे मगदार उपादान निश्चय जहां तहां निमित व्यवहार जय ने बहुत बहुत धन्यवाद भाई संस्कार जैन को जिन्होंने मंगलमय मंगलाचरण प्रस्तुत किया। अब यहाँ हम यहाँ पर तत्कालीन गोष्ठी प्रारंभ करते हैं। गोष्ठी के प्रथम वक्ता के रूप में मैं यहाँ आवाज देता हूँ शास्त्री प्रथम वर्ष से भाई नयन जैन जिनका विषय है कारण कार्य व्यवस्था। अग्रिम वक्ता के रूप में तैयार है शास्त्री प्रथम वर्ष से भाई जगदीशन जैन जिनका विषय है उपादान का सामान्य स्वरूप। अभी भाई नयन जैन। ओम नमः सिद्धेभ्य। आदरणीय अध्यक्ष महोदय और सभा में बैठे सभी भावी सिद्धों को मेरा सादर जय जिन्हें। आज की प्रवर्तमान गोष्ठी का विषय है निमित्त उपादान जिसमें मेरा विषय है कार्य कारण संबंधी व्यवस्था। जीव के लिए संपूर्ण जनागम में सारभूत वह सुख की प्राप्ति है और सुख की प्राप्ति के लिए आवश्यक सम्यक दर्शन है और सम्यक दर्शन का कारणभूत तत्व निर्णय है। तत्व निर्णय से ही हम सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो पांच समवाय छह आवश्यक छह कारक चार अभाव निमित्त उपादान आदि के बिना द्रव्य की स्वतंत्र कार्य कारण व्यवस्था समझ में नहीं आती है, इसलिए हमें कार्य कारण व्यवस्था को समझना भी आवश्यक है। सबसे पहले हम देखते हैं कार्य किसे कहते हैं। तो पदार्थों के परिणमन को ही कार्य कहते हैं। कार्य के अन्य नाम और भी हैं कर्म अवस्था हालत दशा परिणाम पर्याय परिणति आदि आदि। इसके बाद कारण, तो कार्य की उत्पादक सामग्री को ही कारण कहते हैं। जैसे कारण के बिना कार्य की उत्पत्ति होना संभव नहीं है। जैसे हम देखते हैं सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र के बिना मोक्ष रूपी लक्ष्मी की प्राप्ति होना संभव नहीं है। इसके बाद कार्य कारण के भेद, तो कार्य के दो भेद हैं नैमित्तिक कार्य और उपाधेय कार्य। उसके बाद कारण के भी दो भेद हैं निमित्त कारण और उपादान कारण। हम अगर इनको दो लाइन में कहना चाहें तो ऐसे कह सकते हैं कि निमित्त की अपेक्षा जिस कार्य को नैमित्तिक कहते हैं उपादान की अपेक्षा उसी कार्य को उपाधेय कहते हैं। यहाँ पर हम जैसे देखें तो इनको उदाहरण के माध्यम समझें तो इस प्रकार समझ सकते हैं कि जैसे जो स्वर्ण रूपी द्रव्य है वह उपादान है और जो उससे हार बना वह उपादेय है। उसके बाद जो उसमें निमित्त है तो सुनार आग आदि उसमें निमित्त हैं और उनके निमित्त से जो हार बना वह नैमित्तिक है। वैसे ही जो श्रद्धा गुण है वह उपादान है और जो उसके कारण सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ वह उपादेय है और उसमें निमित्त मतलब मिथ्यात्व कर्म का जो अभाव हुआ वह उसमें निमित्त है और उसके अभाव से जो हमें सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ वह नैमित्तिक है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि कार्य कारण संबंध कब कार्य कारण संबंध की संज्ञा प्राप्त करता है। तो जैसे हम देखें कि पुत्र के बिना किसी को पिता कहना संभव नहीं है, उसी प्रकार कार्य के बिना किसी को कारण कहना संभव नहीं है। लेकिन यहाँ हम यह नहीं कह सकते कि कार्य के पूर्व कारण की सत्ता थी ही नहीं, क्योंकि पुत्र के पूर्व पिता की सत्ता तो थी भले ही उसे पिता कहना संभव ना हो। वैसे ही उपदेश आदि को भी निमित्त कारण तभी कहा जाएगा जब उपदेश आदि से किसी को मोक्ष की प्राप्ति हो। अगर किसी को मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी तो उपदेश को हम किसका कारण कहेंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि पंडित टोडामल जी ने मोक्षमार्ग प्रकाशक के 9वें अधिकार में कारण कारण को संबंधी व्यवस्था को समझाया है। तो पंडित टोडामल जी कहते हैं कि मोक्ष मार्ग में कारण तो अनेक प्रकार के हैं लेकिन पंडित टोडामल जी ने 3 बिंदुओं के माध्यम से समझाया है जो इस प्रकार है। पहला बिंदु, जिनके हुए बिना तो कार्य होता नहीं और जिनके होने पर कार्य हो भी या ना भी हो। अगर इसको उदाहरण से देखें तो मुनिलिंग धारण किए बिना तो मोक्ष की प्राप्ति होती नहीं लेकिन मुनिलिंग धारण करने पर भी मोक्ष प्राप्त हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। सेकंड बिंदु, कारण के होने पर कार्य होता भी है और कारण के हुए बिना भी कार्य हो जाता है। जैसे हम देखते हैं कि बाह्यतपनसन आदि की मुक्तता होने पर मुनि मोक्ष प्राप्त करते हैं लेकिन बाह्यतपनसन आदि के बिना ही मुनि मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। उदाहरण में हम देखें तो भरत चक्रवर्ती, उन्होंने बाह्यतपनसन आदि के बिना ही एक अंतर्मुहूर्त में ही मोक्ष की प्राप्ति कर ली थी। थर्ड बिंदु है
कि कारण के होने पर कार्य होता ही होता है और कारण के हुए बिना कार्य होता नहीं है। जैसे उदाहरण देखें, मुनिलिंग सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता होने पर मोक्ष की प्राप्ति होती ही है, लेकिन सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र न होने पर मोक्ष प्राप्त नहीं होता है। तो इससे हमें कार्य कारण की निश्चितता का ज्ञान होता है। अब हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि ये अकार्य कारण की शक्ति क्या है जो हमें यह बताती है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कारण नहीं करता, एक गुण दूसरे गुण का कारण नहीं करता, प्रत्येक पर्याय भी किसी अन्य का कार्य कारण नहीं है। तो इसमें हम देखते हैं कि ये अकार्य कारण शक्ति क्या है। तो अकार्य कारण की शक्ति हमें यह बताती है कि अकार्य कारण शक्ति पर का तो कार्य कारण संबंधी नहीं है, लेकिन जो अकार्य कारण शक्ति उसका स्व से तो कार्य कारण संबंध है। इसके बाद भाव अभाव आदि छह सामान्य शक्तियां भी द्रव्य में पाई जाती हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं। पहली भाव शक्ति, दूसरी अभाव शक्ति, तीसरी भाव अभाव शक्ति, चौथी अभाव भाव शक्ति, पांचवी भाव भाव शक्ति और छठवी अभाव भाव शक्ति। इसके बाद हम देखते हैं कि जो ये छह शक्तियां हैं इनसे कार्य कारण इनमें कार्य कारण शक्तियां पाई जाती हैं। तो जो ये छह शक्तियां हैं ना, इन छह शक्तियों से स्वतंत्रता, सहजता और स्वाधीनता का उद्घोष होता है। जो ये छह शक्तियां अगर इनको जीव समझ ले तो उसके बाद वो ये संसार से आकुलता मिट जाएगी और उसको निराकुलता की प्राप्ति होगी। मैं दो लाइन कहकर अपनी बात को खत्म करना चाहूंगा। समय सार के 51 कलश में आचार्य अमृतचंद देव लिखते हैं, करता वही जो परिणामे, परिणाम ही बस कर्म है परिणति ही क्रिया, बस तीनों अभिन्न अखंड। धन्यवाद भाई नयन जन को, जिन्होंने बहुत ही सुंदर विषय प्रस्तुत किया। और अब मैं आगामी वक्ता के रूप में आवाज दे रहा हूँ भाई जी जगदीश सिंह को, आए और उनका विषय है उपादान का सामान्य स्वरूप। इसके बाद अगले वक्ता के रूप में तैयार रहे भाई नयंग जन, जिनका विषय है निमित्त का सामान्य स्वरूप। भाई जी जगदीश सिंह। सामान्य मंच एवं सभा में उपस्थित सभी साधु में बंधु को मेरा साधु जी ने आज का प्रयोगमन गोष्ठी का विषय है निमित्त उपादान। उसमें से मेरा प्रतिपाद्य बिंदु है उपादान का सामान्य स्वरूप। जिस प्रकार क्रमबद्ध पर्याय और निश्चय व्यवहार का विषय है, उसी प्रकार उपादान निमित्त का भी आज का बहुत चर्चित विषय है, जिसकी चर्चा कभी विद्वानों की गोष्ठी में भी नहीं होती थी, परंतु आज वह जन जन में भी चर्चित है। जिस प्रकार हमने पिछले वक्ता के मैं सुना था कि कार्य की उत्पादक उपादान और निमित्त इन दो प्रकार से होती है, यही कारण है जिनागम में उपादान और निमित्त की चर्चा कारणों के रूप में होती है। कारण के दो भेद क्या हैं, उपादान और निमित्त। जो स्वयं कार्य रूप में परिणमित हो उसे उपादान कारण कहते हैं। जैसे घट रूप कार्य का मिट्टी उपादान कारण है, जिसमें कार्य किया जाता है उस ध्रुव वस्तु को उपादान कहते हैं। जिस पदार्थ में कार्य निष्पन्न होता है उस पदार्थ को उपादान कारण, और जो कार्य निष्पन्न हुआ है उसे उपादेय कहा जाता है। एक ही कार्य को उपादान कारण की अपेक्षा उपादेय और निमित्त कारण की अपेक्षा निमित्त कार्य भी कहा जाता है। जैसे मिट्टी और घट में उपादान उपादेय संबंध है। यदि हम इसे सम्यक दर्शन पर गठित किया जाए तो हमें ऐसा कहना होगा कि आत्मद्रव्य का उसका श्रद्धा गुण वह उपादान है और सम्यक दर्शन का वह उपादेय है। उपादान के दो भेद क्या हैं, त्रिकाली उपादान और एक क्षणिक उपादान। जो द्रव्य का गुण स्वयं कार्य रूप परिणमित हो और उस द्रव्य गुण का उस कार्य का त्रिकाली उपादान कहा जाता है। उपादान कारण के एक भेद है त्रिकाली उपादान और दूसरा क्षणिक उपादान। क्षणिक उपादान के दो भेद क्या हैं, अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय और तत्समय की योग्यता। तत्व श्लोकनातिक में उपादान के दो भेद क्या हैं, एक है असमर्थ उपादान और एक समर्थ उपादान। जो समर्थ उपादान है वह अवश्य ही कार्य का जनक होता है और वह अष्ट सहस्री के अभिप्राय अनुसार अव्यय रूप पूर्व पर्याय युक्त द्रव्य का होता है। उपादान निज शक्ति को कहते हैं, उपादान निज शक्ति को कहते हैं। जैसे श्लोक भी आता है, उपादान निज शक्ति है जी को मूल स्वभाव, हे निमित्त प्रयोग ते बनियो अनादि बनाओ। अर्थात शक्ति के दो भेद क्या हैं,
द्रव्य और गुण। पर्य शक्ति से युक्त द्रव्य का द्रव्य शक्ति ही कार्यकारी है। द्रव्य शक्ति नित्य है और पर्य शक्ति अनित्य है। नित्य शक्ति के आधार पर ही कार्य की उत्पत्ति मानने पर कार्य का नित्य कर्तृत्व का प्रसंग आ जाता है। अतः पर्याय शक्ति को ही कार्य का नियमक स्वीकार किया जाए। उपादान निज गुण कहाँ तहाँ निमित्त पर होए, वेद ज्ञान परमान विधि बिरला बूझे कौन। अर्थात उपादान की योग्यता हो वहाँ नियम से निमित्त होता ही है। निमित्त का राह देखना पड़े ऐसा तो है नहीं और निमित्त को ला सकते हैं ऐसे मान्यता पर पदार्थ में अभेद बुद्धि अर्थात अज्ञान का सूचक है। उपादान सच्चा कारण है। और दूसरा श्लोक आता है, उपादान बल जहाँ तहाँ तहाँ निमित्त को दा, एक चक्र सोरत चले रवि को यह सुबह। अर्थात जहाँ तहाँ देखे वहाँ सर्वदा उपादान का ही बल है। निमित्त होता जरूर है परंतु निमित्त का कुछ भी दाव अर्थात बल नहीं है। जैसे एक चक्र से सूर्य का रथ चलता है उसी प्रकार प्रत्येक कार्य उपादान की योग्यता अनुसार ही होता है। जिसने उपादान का सामान्य स्वरूप इस विषय पर अपना वक्तव्य प्रस्तुत किया भाई जगदीशन को बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वक्ता के रूप में निमित्त का सामान्य स्वरूप इस पर अपना वक्तव्य प्रस्तुत करने के लिए मैं आवाज दे रहा हूँ शास्त्री प्रथम वर्ष से भाई मयंक जैन। अग्रिम वक्ता के रूप में तैयार रहे भाई अरंत जैन जिनका विषय कार्य का नियामक कारण कौन। जय श्री नमस्ते दिव्य। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सम्मानीय मंच, सभा में उपस्थित सभी बंधुओं को श्रद्धा वंदन। जैसा कि हम सभी को विदित है प्रवर्तमान गोष्ठी का विषय है निमित्त उपादान और उसमें मेरा प्रतिपाद्य बिंदु है निमित्त का सामान्य स्वरूप। तो मैं भी निमित्त के सामान्य स्वरूप पर सिंहावलोकन करने का प्रयत्न करता हूँ। यह बात यथार्थ है, सत्यार्थ है, स्पष्ट है कि जब जब कोई कार्य होगा तब तब उस कार्य के होने में कोई ना कोई कारण अवश्य होता ही होता है। वह कारण दो प्रकार का, निमित्त कारण उपादान कारण। उपादान के स्वरूप को हमने समझा, अब हम निमित्त के स्वरूप पर चर्चा करते हैं। मैं अपनी बात मात्र 5 बिंदुओं के माध्यम से आपके सामने रखूंगा। वह 5 बिंदु इस प्रकार हैं, निमित्त का स्वरूप, 6 द्रव्यों में निमित्त की भेदवार्ता, तीसरा निमित्त के पर्यायवाची शब्द, निमित्त के भेद और निमित्त को उच्चरित या आरोपित कारण क्यों कहा। पहला बिंदु निमित्त का सामान्य स्वरूप। निमित्त कहते किसे हैं, क्या है निमित्त? तो कहते हैं जब कोई पदार्थ स्वयं कार्य रूप परिणमित हो परंतु कार्य की उत्पत्ति में अनुकूल होने का आरोप जिस पर आ सके उसे निमित्त कारण कहते हैं। जैसे उदाहरण सभी को ज्ञाता भी है कि मिट्टी द्रव्य का घट रूप परिणमन होने में कुमार को निमित्त कारण कहा जाता है। दूसरा बिंदु, 6 द्रव्यों में निमित्त की विधवार्ता। इस विश्व में अनंत अनंत द्रव्य है, सभी द्रव्यों को जाति की अपेक्षा से 6 भागों में बांटा गया है। तो इन 6 द्रव्यों में क्या कोई ऐसा भेद है जिससे यह कहा जा सके कि यह द्रव्य निमित्त है और यह द्रव्य उपादान है, या यह द्रव्य निमित्त है यह द्रव्य उपादान है? तो कहा ऐसा कोई भेद नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक द्रव्य अर्थात जो द्रव्य पर की अपेक्षा से पर के लिए निमित्त है वही द्रव्य स्वयं की अपेक्षा से स्वयं के लिए उपादान है। अगला बिंदु है निमित्त के पर्यायवाची नाम। निमित्त को अन्य अन्य जगह अनेक एकार्थवाची नामों से जाना जाता है, जैसे साधन, प्रत्यय, हेतु, हेतुकर्ता, उपकारी, उपकारक, उत्पादक, अव्यंजक इत्यादि अनेक नामों से जाना जाता है। अगला बिंदु है निमित्त के भेद। वैसे तो निमित्त के असंख्य भेद भी हो सकते हैं परंतु यहाँ जैनंद सिद्धांत कोश के अनुसार हम मुख्य रूप से 8 भेदों की चर्चा करेंगे। वह भेद इस प्रकार है, अंतरंग निमित्त, बहिरंग निमित्त, प्रेरक निमित्त, उदासीन निमित्त, वलाधान निमित्त, प्रतिबंधक निमित्त, अभाव रूप निमित्त, सद्भाव रूप निमित्त। इन्हें हम रगादी पर हटाकर देखते हैं कि रगादी की उत्पत्ति में अंतरंग निमित्त क्या है कि मूल कर्म का उदय, बहिरंग निमित्त स्त्री पुत्र धन धान्य आदि, प्रेरक निमित्त में हम यहाँ इच्छा शक्ति वाले जीव द्रव्य अथवा गमन शक्ति वाले जीव और पदगल द्रव्य को ही लेंगे। उदासीन निमित्त में जीव और पदगल द्रव्य को छोड़कर शेष 4 द्रव्य धर्म, धर्माकाश, काल इनको लेंगे। क्यों? क्योंकि निष्क्रिय होने से इन्हें उदासीन निमित्त कारण कहा जाता है। अगला है वलाधान निमित्त, इसे जानना बहुत जरूरी है। वलाधान, वल का आधान अर्थात वल का धारण, बल का उपकार, वल का आलम्बन, ऐसे निमित्त कारण कि जो निष्क्रिय होने पर भी जिसकी क्रिया हेतु शक्ति नष्ट ना हो उसे वलाधान निमित्त कारण कहते हैं।
जैसे कोई व्यक्ति अपने पैर से चलता है परंतु फिर भी लाठी उस निमित्त कहा जाता, लाठी को निमित्त कारण कहा जाता है। अगला प्रतिबंधक निमित्त, ऐसे निमित्त जो कार्य की उत्पत्ति में बाधा उत्पन्न करे, जैसे सम्यक दर्शन की प्राप्ति में कुबेरों आदि का मिलना। अगला है अभारूप निमित्त, ऐसे निमित्त इसे दो प्रकार समझ सकते हैं, ऐसे निमित्त जिनके नहीं होने पर कार्य ना हो और जिनके नहीं होने पर कार्य हो। जिनके नहीं होने पर कार्य ना हो जैसे सम्यक दर्शन आदि की प्राप्ति नहीं होगी यदि यदि सत्समागम का अभाव होगा। और यदि ऐसे निमित्त इसका दूसरा अपेक्षा कि इसके अभाव में कार्य की उत्पत्ति, जैसे अध्ययन कार्य होगा यदि सूर्य आदि का अभाव होगा तो। अगला है सर्वारूप निमित्त, अर्थात जिसके होने पर कार्य हो, जैसे सम्यक दर्शन की प्राप्ति, सत्समागम का मिलना। अब अंतिम बिंदु और महत्वपूर्ण बिंदु वह यह है कि निमित्त को उपचरित अथवा आरोपित कारण क्यों कहा जाता है। तो वह इसलिए कहा जाता है क्योंकि कार्य से निमित्त से कार्य तो नहीं होता, परंतु उसकी उपस्थिति और संलग्नता के कारण ही निमित्त को कारण, निमित्त को उपचरित अथवा आरोपित कारण कहा जाता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि निमित्त करता है, और इसका अर्थ यह भी नहीं है कि निमित्त ही है, अपितु जितना दल इस बात में है कि निमित्त से कार्य नहीं होता, उतना ही दल इस बात में भी है कि निमित्त के बिना कार्य नहीं होता। और यदि हम निमित्त को ना जाने तो हमें उपादान का भी ज्ञान नहीं हो सकता। जैसे कोई कार्य हुआ और हमने जाना कि इस कार्य में निमित्त है परंतु उससे कार्य नहीं हुआ है, तो किससे कार्य हुआ अर्थात कोई अलग चीज है, वह क्या है, वह उपादान है। तो निमित्त से ही उपादान का भी ज्ञान होता है, अर्थात हम निमित्त को नकार नहीं सकते और हम उसको कर्ता भी नहीं मान सकते। इस प्रकार हम निमित्त को निमित्त का वास्तविक स्वरूप समझकर उसके संबंध में अज्ञान को दूर करें, ऐसी कामना है। जय जिनेंद्र। धन्यवाद भाई महेंद्र जन को, जिन्होंने निमित्त का सामान्य स्वरूप बहुत ही अच्छे तरीके से प्रस्तुत किया। और अब मैं बुलाने जा रहा हूँ भाई अरविंद जन को, जिनका विषय है कार्य का नियामक कारण कौन। और आगामी वक्ता के रूप में तैयार है श्रुति जैन, जिनका विषय है निमित्त नियामक कारण क्यों नहीं। नमः सद्देव्य। आदरणीय मंच एवं यहाँ पे बैठे सभी साधारण जनों को सादर जय जिनेंद्र। आज की प्रवर्तमान गोष्ठी का विषय है निमित्त और उपादान, जिसमें मेरा प्रतिपाद्य बिंदु है कार्य का नियामक कारण कौन है। तो कार्य का नियामक कारण कौन है, यह जानने से पहले कार्य क्या है यह जानना आवश्यक है। तो पदार्थों के परिणमन को कार्य कहते हैं, ऐसे कार्य को हम विस्तार से पूर्व वक्ताओं के माध्यम से समझ ही चुके हैं। आप समझते हैं कार्य का नियामक अर्थात कार्य होने का नियम क्या है। तो आचार्य अमृतचंद समय सार की 68वीं गाथा की आत्मज्ञाति नामक टीका में लिखते हैं कि कारणानुविधायित्वादेव कार्याणाम कारणानुविधायिनी कार्याणि, अर्थात कारण जैसे ही कार्य का नियम होने से कारण जैसा ही कार्य होता है। ऐसे कारण दो प्रकार के होते हैं, पहला त्रिकाली उपादान और पहला निमित्त कारण और दूसरा क्षणिक कारण उपादान कारण। तो निमित्त कारण कार्य का नियामक कारण नहीं है। निमित्त कारण कार्य का नियामक कारण क्यों नहीं है ये आगामी वक्त स्पष्ट करेंगे ही। यहाँ तो मात्र उपादान कारण कार्य का नियामक कारण है या नहीं, और है तो कैसे यह स्पष्ट करने योग्य है। तो वह उपादान कारण भी दो प्रकार का होता है, पहला त्रिकाली उपादान कारण और दूसरा क्षणिक उपादान कारण। तो त्रिकाली उपादान कारण भी कार्य का नियामक कारण नहीं है। क्यों नहीं है इसे उदाहरण से समझते हैं कि जीव में श्रद्धा गुण रूपी त्रिकाली उपादान तो सदैव विद्यमान रहता है, परंतु फिर भी भवितव्यता नहीं होने पर उसे सम्यक दर्शन नहीं होता। और यदि त्रिकाली उपादान को कार्य का नियामक कारण माने तो जीव को प्रत्येक समय सम्यक दर्शन होना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं होता। तो मात्र क्षणिक उपादान ही कार्य का नियामक कारण है। वह क्षणिक उपादान भी दो प्रकार का होता है, पहला अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय और दूसरा तत्समय की योग्यता।
उसमें भी अनंतर पूर्ण क्षणवर्ती पर्याय जो है वह कार्य का नियामक कारण नहीं है, क्योंकि अनंतर पूर्ण क्षणवर्ती पर्याय अर्थात क्या कि कार्य होने के पूर्व की जो पर्यायों का प्रवाह क्रम है वह अनंतर पूर्ण क्षणवर्ती पर्याय है और वह कार्य का नियामक कारण नहीं है, क्योंकि भवितव्यता नहीं होने पर वह पर्याय भी कार्य होने में कार्यकारी नहीं है। जैसे सम्यक दर्शन होता है वह पांच लब्धियों के पूर्ण होने पर ही होता है और जीव को चार लब्धियां तो कई बार प्राप्त होती है, परंतु फिर भी करण लब्धि नहीं होने पर वह चार लब्धियां सम्यक दर्शन में कारण नहीं बनती। तो एकमात्र तत् समय की योग्यता ही कार्य का नियामक कारण है, क्योंकि कार्य है योग्य के विषय प्रति नियामक कारणम इति, अर्थात योग्यता ही विषय का प्रति नियामक कारण है, क्योंकि कोई भी कार्य द्रव्य की उपादानगत भवितव्यता होने पर ही होता है। इस संदर्भ में आचार्य संबंधवद स्वयं स्तोत्र में लिखते हैं कि अलंग सत्य भवितव्यतेयम् हेतु दया विस्कृत कार्य लिंगा अनीश्वरो जंतुरहम् क्रियाता संहत कार्य स्वेति साधुवादी। अर्थात भवितव्यता की शक्ति अलग है और भवितव्यता के बिना अनेक सहकारी कारणों को मिलाकर भी कोई भी कार्य करने में समर्थ नहीं है और भवितव्यता पूर्वक ही कार्य होता है। यद्यपि भवितव्यता कार्य का नियामक कारण है, परंतु कोई भी कार्य पांच समवाय पूर्वक होता है। पहला स्वभाव, दूसरा पुरुषार्थ, तीसरा काल लब्धि, चौथा निमित्त और पांचवा भवितव्यता। स्वभाव अर्थात वस्तु का जो स्वरूप है वह स्वभाव है। दूसरा पुरुषार्थ कि कार्य होने में किया गया प्रयत्न वह पुरुषार्थ है। और तीसरा काल लब्धि अर्थात कार्य होने का जो समय है वह काल लब्धि है। और चौथा है निमित्त अर्थात कार्य होने में जो सहकारी कारण है वह निमित्त है। और लास्ट भवितव्यता जिसे हम विस्तार से समझ ही चुके हैं। तो जो इन पांच संवाद पूर्वक ही कार्य होता है, परंतु इनमें से जो चार संवाय है वे कार्य होने में कारण है और भवितव्यता कार्य का नियामक कारण है। पुराण प्रसिद्ध उदाहरण भगवान महावीर का जीव, महावीर की पर्याय में अनेक सहकारी निमित्त अनेक कारण होने पर भी सम्यक दर्शन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वहां पर भवितव्यता नहीं थी। और जब भवितव्यता आई तो सिंह की पर्याय में भी सम्यक दर्शन हो गया और सहज ही सम्यक दर्शन सहजी निमित्त कारण आदि अन्य समवाय सहजी प्राप्त हो गए। अर्थात उपादानगत भवितव्यता ही कार्य का नियामक कारण है। यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं कि अन्य संभावों का निषेध किया जा रहा है, यहाँ पर उन संभावों का कर्तव्य का निषेध किया जा रहा है। एकमात्र उपादानगत भवितव्यता ही कार्य का नियामक कारण है। ऐसी उपादानगत योग्यता को हम समझे और सम्यक दर्शन प्राप्त करें, इसी भावना से जय में। बहुत बहुत धन्यवाद भाई अरंत जैन को, जिन्होंने कार्य का नियामक कारण कौन इस विषय पर अपना वक्तव्य प्रस्तुत किया। अब मैं आवाज देता हूँ बहन श्रुति जैन को, जिनका विषय है निमित्त नियामक कारण क्यों नहीं। अग्रिम वक्ता के रूप में तैयार है भाई सोनिल जैन, जिनका विषय है निमित्त की आवश्यकता क्यों। ओम नमः सिद्धेभ्य। आदरणीय मंच एवं सभा में उपस्थित सभी साधर्म्य बंधुओं को मेरा श्रद्धात्म वंदन। प्रवर्तमान गोष्ठी के अंतर्गत मेरा विषय है निमित्त नियामक कारण क्यों नहीं। इस विषय को हम एक घटना के माध्यम से प्रारंभ करते हैं। पांच पांडव मुनिराज शत्रुंजय पर्वत पर अपनी तपस्या कर रहे थे, तभी वहां पर दुर्योधन का भांजा कुयोधन आया और उसने मुनिराजों को अति तप्त लोह के आभूषण पहना दिए। अति तप्त गर्म लोहे के आभूषणों से युक्त मुनिराजों को देख करके जो लोग निमित्ताधीन दृष्टि वाले थे वे कहते हैं कि पांचों कितनी तीव्र वेदना में होंगे और आर्त ध्यान कर रहे होंगे, परंतु ऐसा तो कुछ हुआ नहीं, क्योंकि पांचों में से तीन मुनिराज तो मोक्ष गए और दो सर्वार्थ सिद्धि। यह हुआ उनकी उपादानगत योग्यता के अनुसार। यदि निमित्त ही नियामक कारण होता तो पांचों को ही आर्त ध्यान का निमित्त बना था, परंतु वे तो मोक्ष और सर्वार्थ सिद्धि को पधारे। इससे यह बात अत्यंत स्पष्ट सिद्ध होती है कि निमित्त नियामक कारण नहीं अपितु उपादान ही नियामक कारण है।
यहाँ यह प्रश्न उठता है कि अगर उपादान ही नियामक कारण है तो उपादान तो द्रव्य और गुण होने से सदा काल ही उपस्थित रहता है, तब कार्य हमेशा ही होते रहना चाहिए। इसके उत्तर स्वरूप में तत्वा श्लोक वार्तिक में आचार्य भगवंत कहते हैं कि उपादान दो प्रकार का होता है, समर्थ उपादान और असमर्थ उपादान। समर्थ उपादान को ही क्षणिक उपादान कहा जाता है, जिसके होने पर नियम से कार्य होता है और जिसके बिना कोई कार्य होता ही नहीं है। निमित्त तो मात्र उपादान का सूचक होने से कार्य के उत्पन्न में उसके ऊपर दोष आता है। हमारे तीर्थंकरों के वैराग्य के प्रसंग में भी इसे ही इंगित किया जाता है। जैसे पद्मप्रभ भगवान के वैराग्य के प्रसंग में कहा जाता है, एक दिन हाथी बंधा निरखकर झट आया वैराग्य उमड़ पर, कि उन्होंने हाथी को बंधा हुआ देखकर मुनि दीक्षा ले ली थी। तो कहते हैं कि क्या 30 लाख पूर्व वर्ष की आयु में उन्होंने कभी भी बंधा हुआ हाथी नहीं देखा था। इस प्रकार से अन्य संदर्भों में भी आता है, कहीं दर्पण देख विरक्ति, कहीं मृतक देख वैरागी, बिन कारण दीक्षा लेता वो पूर्व जन्म का त्यागी, कि बिना बाह्य निमित्त कारण के भी हमेशा कार्य होते रहे हैं और अपनी उपादानगत योग्यता के अनुसार ही होते हैं। इसलिए निमित्त तो कुछ कारण है ही नहीं, तत्समय की योग्यता ही नियामक कारण है। इस बात पर अनेक लोग व्यंग भी करते हैं कि सोनगढ़ वालों की गाड़ी तो बिना पेट्रोल के चलती है, तो उनसे कहें कि अगर पेट्रोल ही नियामक कारण है तो पत्थर पर पेट्रोल डालने पर पत्थर क्यों नहीं चलता। इस बात को पूज्य गुरुदेव श्री कांदी स्वामी अत्यंत सुंदर शब्दों में स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि जिसमें क्रियावती शक्ति और तत्समय की योग्यता घट रही है, ऐसी वह गाड़ी अनेक निमित्तों के साथ चल जाती है, परंतु मात्र पेट्रोल आदि निमित्त उपस्थित हो और उस गाड़ी में चलने की योग्यता ही ना हो तो वह कैसे चलेगी। यही निमित्तोपादान का सिद्धांत है। पंडित बनारसी दास जी भी इसे स्पष्ट करते हैं, उपादान बल जहाँ तहाँ नहीं निमित्त को दाव, कि उपादान का जहाँ बल है वहाँ निमित्त का कुछ दाव नहीं चलता। तो इतना सब समझने से हमारा प्रयोजन क्या। तो कहते हैं कि अनादि से हमारा उपादान सुलटा नहीं है, हम निमित्ताधीन दृष्टि युक्त रहे हैं, इसीलिए हमारा जो एकमात्र मोक्ष का प्रयोजन है वह आज तक सिद्ध नहीं हो पाया, परंतु जैसे ही हम हमारी दृष्टि को सुधारेंगे तभी हमारा उपादान सुलटेगा और हमारा वह एकमात्र मोक्ष का प्रयोजन सिद्ध होगा। इसीलिए ही कहा जाता है कि निमित्तों की खोज में व्यग्र नहीं होना चाहिए, हमें निमित्तों के ऊपर डिपेंड रहकर अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि निमित्तों को खोजना नहीं पड़ता। जब उपादान में कार्य होता है तब तदनुकूल निमित्त होता ही है। निमित्त नियामक कारण नहीं, कार्य के अनुसार निमित्त होता है। इसीलिए कहते हैं, तो को तज निज भजत हैं ते ही करे के लोल, जो निमित्तों की खोज को छोड़कर स्वयं को भजते हैं, निज को ध्याते हैं, वे ही किलोल अर्थात आनंद को प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार हमें भी निमित्ताधीन दृष्टि को छोड़कर स्वयं को भजना चाहिए। जय जिनेन्द्र। बहुत सुंदर विषय किया भक्ति श्रुति जन ने, और अब आए स्वामिलियन जिनका विषय निमित्त की आवश्यकता के, और आगामी लोकता के रूप में तैयार है अभय जैन शास्त्री तृतीय वर्ष निमित्तोपादान से प्रयोजन सिद्धि स्वामी जन। सम्मान्य मंच सभा में उपस्थित सभी साधारण मुनियों को सादर जय जिनेन्द्र। वर्तमान गोष्ठी में मेरे विषय का मुख्य केंद्र बिंदु है निमित्त की आवश्यकता क्यों। ये प्रश्न तो ऐसे हुआ कि गाड़ी में पेट्रोल की आवश्यकता क्यों है, खाने में शरीर में भोजन की आवश्यकता क्यों है, जीवन में जल की आवश्यकता क्यों है, और स्मारक में गुरु की आवश्यकता क्यों है। ये प्रश्न तो ऐसा हुआ और प्रश्न उठना भी चाहिए। लोक में एक उक्ति है कि यदि निमित्त की किसी भी चीज की आवश्यकता समझनी हो तो उसके अभाव की कल्पना कर लेनी चाहिए। यदि हमें निमित्त की आवश्यकता समझनी है तो उसके अभाव की कल्पना करके देखें तो वस्तु व्यवस्था कहीं नजर नहीं आती है। क्यों? क्योंकि एक बहुत सारे संबंध है, तादात्म्य संबंध, संयोग सिद्ध संबंध, उन्हीं में से एक संबंध है निमित्त नैमित्तिक संबंध, जिसके कारण ही ये दुनिया की सारी गाड़ी चल रही है। यदि हम निमित्त नैमित्तिक संबंध को नहीं मानेंगे तो नैमित्तिक शब्द जो पड़ा है वह निमित्त की अपेक्षा पड़ा है, और निमित्त को नहीं मानेंगे तो नैमित्तिक कहां से आएगा। तो फिर वही होगा
कि सूर्य के उगने से जो कमल खिलता है तो उसमें नैमित्तिक नैमित्तिक संबंध नहीं आएगा, कर्ता कर्म संबंध आ जाएगा। तो ये कर्ता कर्म के अभाव भी, ये कर्ता कर्म संबंध ना आए इसलिए इस निमित्त की आवश्यकता है। दूसरा पॉइंट है पांच समवाय। समवाय में निमित्त भी एक आता है कि कोई भी कार्य होता है उसमें पांच समवाय उपस्थित रहते हैं अनिवार्य रूप से, और इसका जीता जाता उदाहरण यहां उपस्थित है महावीर स्वामी का, कि जब वो शेर की पराया में थे तब निमित्त की क्या आवश्यकता थी। निमित्त की आवश्यकता जानना हो तो ये साक्षात उदाहरण है कि वो जो हिरण है उसको उस टाइम पे मरना था, ये हिरण भी उसमें निमित्त है, और उसी टाइम संजय विजय मुनिराज आए उनके निमित्त से, जो द्रव्य अनियोग से, अनियोग की मैं बाद में करूंगा, देशना लब्धि उनको मिली, वो देशना लब्धि उनके सम्यक दर्शन में निमित्त थी। तीसरा प्रश्न है अनियोग। अनियोग में करणानियोग में देखिए आप हर जगह निमित्त का ज्यादा बाहुल्य रहेगा कि जीव को इस कर्म के उदय से यह अवस्था हुई, इस कर्म के उदय के निमित्त से यह अवस्था हुई, तो निमित्त को नहीं मानेंगे। तो इस कर्म ज्ञानवर्ण कर्म की वजह से यह अवस्था जीव की हुई, तो जो ज्ञानवर्ण कर्म है वह पदगल की पर्याय है, और जो जीव है वह जीव द्रव्य है, वह अलग द्रव्य है, और यदि हम निमित्त को नहीं मानेंगे तो फिर कर्म है वह जीव को बेकार कराने लग जाएंगे, और जीव को बेकार कराने लग जाएंगे तो एक द्रव दूसरे द्रव का कर्ता हो जाएगा। तीसरा पॉइंट है सम्यक दर्शन में हमें निमित्त की आवश्यकता 100% पड़ती है। क्यों? क्योंकि दो कारण है, अधिगमज निसर्गज। इसमें अधिगमज गुरु के उद्देश्य से होता है, और निसर्गज भी पूर्व परंपरा जो देशना लब्धि पूर्व में सुनी थी उसके निमित्त से सम्यक दर्शन होता है। चौथा कारण निमित्त की उपेक्षा करें, निमित्त की सही आवश्यकता क्या है कि निमित्त को निमित्त ही मानना, उसको कार्य का कर्ता ना मानना, यह निमित्त की सबसे जरूरत इसकी आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि हम निमित्त की उपेक्षा करेंगे तो क्या होगा, निमित्त की उपेक्षा करेंगे तो सारा लोक व्यवहार नष्ट हो जाएगा। लोक व्यवहार नष्ट होने से गुरु की उपेक्षा होने लगी, क्योंकि गुरु तो ज्ञान में निमित्त है, तो गुरु की उपेक्षा हुई, और गुरु की उपेक्षा हुई तो भैया जब होना है उपादन गति योग्यता जब जाग जाएगी तब हो जाएगा सम्यक दर्शन। तो फिर हम कार्य क्यों करें, उस कार्य करने के लिए हमें निमित्त की आवश्यकता पड़ती है। अंत में प्रयोजन यही है निमित्त का, कि निमित्त को निमित्त ही समझना है, उसको कार्य का कर्ता ही मानना है। जैसे ध्रुव तारा होता है, ध्रुव तारा एक नाविक होता है, जो समुद्र में बैठा नाविक होता है नाव में, उसमें ध्रुव तारा उसको क्या किसमें निमित्त है कि दिशा निर्धारण में उसका निमित्त होता है, लेकिन वो ध्रुव तारा उसका कर्ता नहीं होता है। तो वैसे ही निमित्त है कि निमित्त कर्ता तो नहीं है, लेकिन जो कार्य में 100% उसकी उपस्थिति रहती है, इस उदाहरण से। इस प्रकार हम इस निमित्त की आवश्यकता को समझें और उपादान योग्यता को समझकर पूर्ण सुखी हों, ऐसी मंगलवास में दुआ। बहुत बहुत धन्यवाद भाई स्वामीजी को, जिन्होंने अपने वक्तव्य का यहाँ पर अपने वक्तव्य को प्रस्तुत किया। अभी वक्ता के रूप में मैं निमंत्रित आवेदन करता हूँ शास्त्री द्वितीय वर्ष भाई अभय जैन को, कि वे आए और अपना निमित्तोपादान से प्रयोजन सिद्धि इस विषय पर अपना वक्तव्य प्रस्तुत करें। अग्रिम वक्ता के रूप में तैयार हैं शास्त्री तृतीय वर्ष से भाई प्रतीक जैन, जिनका विषय निमित्तोपादान संबंधी भ्रांति व निराकरण। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। सम्मानीय मंच एवं सभा में उपस्थित सभी साधर जन को मेरा सादर जय जनन। प्रवर्तमान गोष्ठी का विषय है निमित्त उपादान एक अनुशीलन, जिसमें मेरे विषय का प्रतिपाद बिंदु है निमित्त उपादान से प्रयोजन की सिद्धि किस प्रकार। जब जब भी किसी के प्रयोजन की बात की जाती है या किसी से पूछा जाता है आपका प्रयोजन क्या है, आप क्या करना चाहते हैं, जिससे भी पूछा जाए वह उसके प्रयोजन के बारे में पूछेंगे आप, तो उसका उत्तर घुमा फिरा कर एक ही जगह पर हो जाता है, वह है दुखों से दूर होना और सुख की प्राप्ति करना। कहीं से भी आप लौकिक क्षेत्र में देख लीजिए, अलौकिक क्षेत्र में कहें, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित के माध्यम से मोक्ष का सुख सभी प्राप्त करना चाहते हैं, और बाहर में भी कहें इंद्रियों के माध्यम से कैसे भी लोग सुख को ही प्राप्त करना चाहते हैं, जहां सुख है नहीं लेकिन वहां भी सुखी खोजना चाहते हैं। तो प्रयोजन के बारे में बताएं, प्रयोजन क्या है, सुख की प्राप्ति। मेरा विषय है निमित्त उपादान के माध्यम से प्रयोजन की सिद्धि किस प्रकार से होती है।
निश्चित रूप से आपको समझ में आ गया होगा निमित्त उपादान के माध्यम से हम किस प्रकार के प्रयोजन की सिद्धि आपके समक्ष करना चाहते हैं, अर्थात हम सुख की प्राप्ति निमित्त उपादान के माध्यम से उसको समझने से किस प्रकार हो सकती है। मोक्ष मार्ग में जी जगदीशन ने बताया था जैसा कि निमित्त निश्चय व्यवहार और क्रमबद्ध पर्याय, निश्चय व्यवहार को समझना जरूरी है और क्रमबद्ध पर्याय का श्रद्धान होना जितना जरूरी है उतना ही मोक्ष मार्ग के लिए निमित्त उपादान का ज्ञान होना उतना ही आवश्यक है, अनिवार्य है। यदि निमित्त उपादान का स्वरूप न समझा जाए तो मोक्ष मार्ग के प्रयोजन की सिद्धि संभव दिखाई नहीं देती है। हम दोनों प्रकार के दृष्टिकोण से देख सकते हैं, एक तो बाह्य हम लौकिक दृष्टि से निमित्त उपादान को समझ कर हम किस प्रयोजन को सिद्ध कर सकते हैं, और दूसरा जो हमारा वास्तविक प्रयोजन है ऐसा मोक्ष का प्रयोजन उसकी सिद्धि किस प्रकार से होती है। सर्वप्रथम देखते हैं लौकिक वर्तमान अवस्था में, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम देखेंगे निमित्त उपादान का क्या महत्व है, वर्तमान जीवन में किस प्रकार से हम निमित्त उपादान का स्वरूप समझ कर अपना भार कम कर सकते हैं, बोझे को कम कर सकते हैं। हम देखते हैं वर्तमान समय में तनाव, टेंशन या फिर कहें बोझ, कर्तृत्व का, अहम का बोझ जो हमारे ऊपर बढ़ रहा है, व्यक्ति के ऊपर बढ़ा हुआ है, निमित्त उपादान का स्वरूप समझे, उसका ज्ञान हो जाए, ये सब दूर हो सकते हैं। किस प्रकार से दूर हो सकते हैं, तो जब निमित्त उपादान का स्वरूप समझेंगे तो कोई भी व्यक्ति हो जिसको अहम है, कर्तृत्व है, पूरे परिवार को मैं चलाने वाला हूं, या फिर कहें टीचर है, स्टूडेंट मेरे द्वारा पढ़ाई करते हैं, मैं उन्हें पढ़ाता हूँ, या फिर वह रोटी बनाने वाले मम्मी कहे मैं रोटी बनाती हूँ, या फिर वह घड़े बनाने वाला कुम्हार कहे मैं घड़ा बनाता हूँ, सब प्रकार के सब जो जो अपने ऊपर कर्तृत्व का बोझ लादे हुए हैं, कर्तृत्व का पोषण कर रहे हैं, या फिर कहे अपने सिर पर बोझ रखे हुए हैं, उन सभी का बोझ एकमात्र निमित्त उपादान का ज्ञान हो जाए, उसका स्वरूप समझ ले, वे सब कुछ दूर हो सकता है। किस प्रकार से, जब वह रोटी बनाने वाली बाई ये समझ जाएगी, क्या समझ जाएगी कि रोटी आटा स्वयं परिण में धोकर रोटी रूप हो रहा है, मैं तो उसमें क्या हूं, निमित्त मात्र हूं, अब चाहे रोटी अच्छी बने चाहे रोटी खराब बने उसमें मैं क्या हूं, निमित्त मात्र हूं। उसी प्रकार से वह कुम्हार जो घड़ा बनाने वाला है वह क्या सोच ले, उसे निमित्त उपादान का सही स्वरूप पता चल जाए तो उसकी भी क्या हो जाएगा कि यह मिट्टी स्वयं परिणमित हो रही है, घड़े रूप हो रही है, मैं इसमें निमित्त मात्र हूं, मैं इसमें अन्य कुछ कर सकता नहीं हूं, घड़ा चाहे अच्छा बने चाहे खराब बने। और तरह तरह की बातें हम करते हैं, जैसे टीचर सोचे हम विद्यालय में पढ़ाते हैं, कोई विद्यार्थी अच्छा पढ़ता है, मैंने इसको ऐसा कहे कि मैं इसको अच्छा नहीं पढ़ा पाया, भाई साहब आप क्या बात करते हो, आपने जितना इसको पढ़ाया, आगे वाले को पढ़ाया उतने ही पीछे वाले को पढ़ाया है, बराबर सभी को पढ़ाया, जो भी होता है सबकी उपादानगत योग्यता के अनुसार होता है, आप उसमें फेरबदल नहीं कर सकते, आपने पढ़ाया आप निमित्त मात्र हो सकते हो, जो पढ़ेगा वह तो अपनी उपादानगत योग्यता के आधार पर होगा। इस प्रकार से लौकिक दृष्टि वर्तमान परिप्रेक्ष्य से बात करें तो इस प्रकार हमारे निमित्त उपादान के माध्यम से प्रयोजन की सिद्धि होती है। अब आते हैं सीधी बात पर, जो हमारा वास्तविक प्रयोजन है, मोक्ष मार्ग का प्रयोजन है, जिसकी प्राप्ति हमें निश्चित रूप से सभी करना चाहते हैं। मोक्ष के प्रयोजन की सिद्धि निश्चय निमित्त उपादान के माध्यम से किस प्रकार होती है, हम सोचते हैं हमें देवसाज गुरु का श्रद्धान करने पर सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाएगी। अभी सोमन भाई ने बताया निमित्तों की आवश्यकता बताते हुए, देवसाज गुरु के माध्यम से बहुत सारे निमित्त होते हैं, लेकिन हमें अपनी उपादानगत योग्यता का मालूम तभी पड़ता है जब हम निमित्त उपादान का सही स्वरूप समझेंगे। देवसाज गुरु निमित्त हो सकते हैं लेकिन जब हमारी उपादानगत योग्यता होगी सम्यक दर्शन की प्राप्ति तो तभी होगी, अन्यथा सम्यक दर्शन की प्राप्ति, देवसाज गुरु हमारे समक्ष विराजमान है, हम देवसाज गुरु के समक्ष बैठे रहे लेकिन सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती है तो यह हमें समझना चाहिए। दूसरा उदाहरण आपके समक्ष है, मुझे दूर जाने की जरूरत नहीं है, भगवान महावीर स्वामी को जो शेर की पर्याय में उस जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई थी, तो आप कहेंगे कि वहां पर शेर की पर्याय में जरूरत क्या थी, मारुति की पर्याय में हो जाता। अब आपको समझ में आया होगा कि उपादानगत योग्यता का कितना महत्व होता है, निमित्त जब उपादानगत योग्यता होगी निमित्त तो क्या कहते हैं आसमान से भी आकर टपक जाते हैं। इस प्रकार से हमें पता चलता है
कि निमित्त उपादान का स्वरूप समझकर हम किस प्रकार प्रयोजन की सिद्धि कर सकते हैं और आगे देखते हैं। हमें अपनी स्वतंत्रता का पता चलता है, हम किस प्रकार से स्वतंत्र हैं। छह द्रव्य का स्वरूप आपने भलीभांति समझा होगा। छह द्रव्य के माध्यम से क्या बताते हैं, जीव अजीव जीव पुद्गल धर्म धर्म आकाश काल, छहों के छहों द्रव्य। पंडित टोडरमल जी के शब्दों में कहे, अनादि में वस्तु है, भिन्न में मर्यादा सहित स्वयं परिणमित होती है, उसमें कोई भी किसी का कुछ करने धरने में समर्थ नहीं है। छहों के छहों द्रव्य अपनी योग्यता से परिणमित होते हैं। और क्या, यदि आप चाहें किसी को हम परिणमित विपरीत परिणमित करा दें, ऐसा कहीं तीन काल में नहीं हो सकता है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी अपने ग्रंथ इष्टोपदेश में कहते हैं, नाग्यो विज्ञत्तो मायाति विज्ञो नाग्यत्तो मृक्षति निमित्त मात्र मन्यस्तु गति धर्मास्ति कायवत्। आचार्य देव कहते हैं कि आप कितना भी बगले को पढ़ा लो, बगले को कितने भी उपदेश के निमित्त बन जाओ, लेकिन वह कभी हंस नहीं बनने वाला। उसी प्रकार से आप कितना भी अज्ञ को कितने भी उपदेश आदि के निमित्त दे दो, लेकिन जब तक उसकी योग्यता नहीं होगी तब तक वह विज्ञ बनने वाला नहीं है। उसी प्रकार से जिस प्रकार से जीव को और पुद्गल को चलाने में धर्मादि द्रव्य निमित्त मात्र होते हैं, वे स्वयं नहीं चलाते। चलता तो कौन है, जीव और पुद्गल स्वयं परिणमित होते हैं, स्वयं चलते हैं, धर्मास्तिका द्रव्य तो उनमें निमित्त मात्र होते हैं। और अंतिम बात करूं तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, जब तक स्वयं के श्रद्धा गुण का सम्यक परिणाम नहीं होगा तब तक सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होगी। सम्यक ज्ञान का सम्यक परिणाम नहीं होगा तब तक सम्यक ज्ञान और आत्मा में लीनता नहीं होगी, तब तक चारित्र की प्राप्ति नहीं होगी। जब तक स्वयं की उपादानगत योग्यता नहीं होगी तब तक सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र धारणी मोक्ष मार्ग यह प्रयोजन मोक्ष की सिद्धि नहीं हो सकती है। इस प्रकार से हमने समझा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र अर्थात मोक्ष की प्रयोजन की सिद्धि और समस्त प्रकार के प्रयोजन की सिद्धि इस निमित्त उपादान का सही स्वरूप समझने से हम निर्वाह हो सकते हैं, अपना ज्ञान कर सकते हैं, अपनी योग्यता का पता निकाल सकते हैं। इस प्रकार प्रयोजन की सिद्धि हुई। हम सभी भी अब इन सभी बातों का ध्यान करें और अपना कल्याण करें। जय जिनेंद्र। ओजस्वी वक्ता भाई अभय जैन ने बताया कि मोक्ष मार्ग में जितनी आवश्यकता सर्वज्ञता के सिद्धांत को समझने की है, जितनी आवश्यकता कर्मक पर्याय के सिद्धांत को समझने की है, साथ ही उतनी आवश्यकता निमित्त उपादान के सिद्धांत को भी समझने की है, ऐसे वक्तव्य को प्रस्तुत किया भाई अभय जैन ने। मैं चाहता हूं एक बार जोरदार कर्तव्य लीजिए, फिर से उनका स्वागत करेंगे। आपका वक्तव्य कितना प्रभावी रहा इसका अंदाज तो आप तालियों से ही लगा सकते हैं। और अब मैं आगामी वक्ता के रूप में बुला रहा हूँ भाई प्रतीक जैन को, जिनका विषय है निमित्त उपादान संबंधी भ्रांति और निराकरण। और आगे के वक्ता के रूप में तैयार है भाई संकेत जैन, जिनका विषय है निमित्त उपादान उद्घाटक पूज्य गुरुदेव श्री भाई प्रतीक जैन। ओम नमः सिद्धेय। आदरणीय मंचासीन और सभी सभासदों को सादर जय जिनेंद्र। प्रवर्तमान गोष्ठी में मेरा विषय है निमित्तोपादान संबंधी भ्रांति पर निराकरण। विषय स्पष्ट हो चुका है, मूल तत्व की बात करें तो भ्रांति कब पैदा होती है, जब किसी विषय का अपरिचय रहता है तब अज्ञान पैदा होता है और अज्ञान से भ्रांति पैदा होती है। यही बात हम आज यहाँ पर निमित्तोपादान के संबंध में समझते हैं। उपादान के संबंध में चर्चा करें तो उपादान से अनभिज्ञ लोग कहते हैं कि आप जिस द्रव्य या गुण को उपादान कहते हो वह द्रव्य या गुण सदा उपस्थित रहता है, तो उसमें जो विवेचित कार्य है वह सदा प्रवर्तमान चलता रहता है, तो ऐसे तो कार्य कभी रुकेगा ही नहीं, पर उसमें निमित्त की भी जरूरत नहीं है। तो उनसे कहते हैं कि आप अभी उपादान के स्वरूप से अनभिज्ञ हैं, क्योंकि उपादान होता है दो प्रकार का, त्रिकाली उपादान क्षणिक उपादान। जो आप द्रव्य कह रहे हो गुण कह रहे हो वह होता है त्रिकाली उपादान, और दूसरा होता है क्षणिक उपादान, जो एक समय की पर्याय है वह क्षणिक उपादान। पर कार्य कैसे हो, योग्यता को कार्य होने का प्रतिनियामक कारण कहा है और वो कारण है उपादान और निमित्त। अर्थात जब उपादानगत योग्यता पकती है तो वहां पर निमित्त स्वयं आकर उपस्थित होते हैं और वह कार्य वहां पर जाकर संपन्न होता है।
निमित्त के स्वरूप से हम लोग कहते हैं कि निमित्त भी वहां पर निमित्त के संबंध में भी भ्रांति आती है कि निमित्त दो प्रकार के होते हैं, एक उदासीन निमित्त एक प्रेरक निमित्त। इसमें क्या बात है कि उदासीन निमित्त के संबंध में कहते हैं कि जो धर्म अधर्म आकाश और काल ऐसे उदासीन निमित्त हैं, ये इच्छावधि इच्छावान रहित हैं और क्रियावधि शक्ति से रहित होने के कारण कार्योत्पत्ति में ज्यादा समर्थ नहीं है। उसी के विपरीत जीव और पुद्गल द्रव्य जो हैं वह क्रियावधि शक्ति और इच्छावान होने के कारण कार्योत्पत्ति में ज्यादा समर्थ है। तो यहां पर तो हमने बंटवारा कर दिया निमित्तों में, फिर जो निमित्त नाम का जो मूल तत्व है उसमें कहीं ना कहीं जाकर अंतर पड़ गया। तो उनसे कहते हैं जैसा कि अभी कहा इष्टोपदेश में 35वीं गाथा में आचार्य पूज्यपाद कहते हैं, नाग्य विज्ञ तुम आयति विज्ञ नाग्य तुम रक्षति निमित्त मात्र मन्यस्तु गते धर्मास्ति काय भवतु। उसका अर्थ बताया संक्षिप्त में यह है कि निमित्त मात्र पर पदार्थ का संयोग है, अगर आप उसको उदासीन और प्रेरक रूप में जोड़ेंगे तो वहां पर निमित्त के स्वरूप में खंडन आएगा और वहां पर निमित्त संबंधी भ्रांति चल पड़ेगी। सटकारकों की इच्छा से बात करें तो यह भी निमित्त उपादान संबंधी एक विषय है। दो प्रकार के सटकारक होते हैं, निश्चय और व्यवहार। उसमें निश्चय सटकारकों की इच्छा बात करें तो प्रत्येक द्रव्य अपना स्वतंत्र सटकारकों सहित अपने स्वतंत्र स्वरूप में ही परिणमन कर रहा है और उसके सटकारक स्वयं उसके स्वरूप में ही है। फिर वहां पर जो बात आती है अपने शुद्ध स्वरूप की, आत्मा के जो द्रव्य गुण पर्याय अधिक हैं वो आत्मा के परिणमन कर रहे हैं, वहां पर उसको सटकारक निमित्त होते हैं। फिर वहां पर जो राग आदि का निमित्त उसको रहा है जिसकी वजह से विकारी परिणमन हो रहा है, तो वो राग आदि का निमित्त तो उनको विकारी परिणमन नहीं करा रहा है। आत्मा स्वयं अपने स्वभाव रूप में परिणमित हो रहा है और वहां पर केवल रागादि निमित्त है और वह आत्मा वहां पर विकार रूप परिणमन कर रहा है। यहां पर निमित्त केवल नाम मात्र की अपेक्षा से कहा गया है, वह वहां पर उसका साधकतम करण नहीं है, अर्थात उसका कर्ता नहीं है, किसका? विकारी परिणामों का। दूसरी, समस्त व्यवहार ने निमित्त की मुख्यता से गठन करता है। उसमें कैसे कि गुरुदेव सिंह के प्रवचनों में हमने कई बार सुना होगा कि दया दान प्रवृत्ति ये सब मोक्ष के कारण हैं। जिंदगी भर दया दान प्रवृत्ति करते रहो, मैं तो ये कहता हूं अनंत भवों तक दया दान प्रवृत्ति करते रहो, अनंत काल तक मोक्ष में नहीं जाने वाले। क्यों? क्योंकि वो जो रास्ता बता रहे हैं उस रास्ते को आपने कैची नहीं किया है। उन्होंने कहा है कि वो दया दान व्रत भक्ति के निमित्त से उस मोक्ष मार्ग में लगो, लेकिन हमने केवल दया दान व्रत भक्ति को पकड़ के ही रखा है और उस मोक्ष उसको ही मोक्ष मार्ग मानकर उसी में ही लगे हुए हैं। दूसरी बात यह है कि निमित्त के कर्तृत्व की बात आती है कि निमित्त करने वाला, अगर हम निमित्त को कर्ता नहीं माने तो उसके इंकार पने की बात आती है कि निमित्त होता ही नहीं है। मारीची का उदाहरण संबंध में सबसे ज्यादा पॉपुलर है। मारीची भगवान महावीर का जीव जो मारीची था उस टाइम पे उनको उपदेश आदि कितने निमित्त के कल्याण करने के लिए, उनके जो दादा थे भगवान ऋषभदेव, पिता भरत चक्रवर्ती, इतने सारे उपदेश आदि के निमित्त मिले, उसके बावजूद भी इतनी उनकी बुद्धि उल्टी पलटी के उनको वहां पर 363 मतों का प्रवर्तन कर दिया। और वहीं दूसरी जगह कहें तो सिंह की पर्याय में क्या हुआ, कोई निमित्त नहीं था, एक आधा मास का टुकड़ा था, मुंह में खून लगा था, कोई कह सकता है अगले समय इनको सम्यक दर्शन होने वाला है, लेकिन उसी टाइम पर उपादान योग्यता पकी और आकाश से संजय विजय नामक निमित्त उतर कर आए और उनको सम्यक दर्शन का कारण बने। इसलिए यह बात स्पष्ट हो जाती है कि निमित्त कर्तृत्व का निमित्त से कोई कार्य होने वाला नहीं है, वह उपादानगत योग्यता जब पकती है तो वह कार्य स्वयं ही उसमें हो जाता है। एक और बात आती है कि निमित्त के अनुसार कार्य होते हैं, यहां पर यह बात बिल्कुल गलत है। कार्य के अनुसार निमित्त बनते हैं, जैसे कोई वेश्या के अंदर शरीर पड़ा है, रागी को राग होता है, वैरागी को वैराग होता है और कुत्ते को देखकर उसको नोचने का भाव आता है। बताइए, कार्य हुआ, इतने सारे लोगों की उपादानगत योग्यता हुई और वहां पर सबका अपना अपना अलग अलग परिणमन हुआ। मैं ये कहता हूं कि अगर वहां पर जो कार्य हुआ था कि वो वेश्या का मरण हुआ था तो सबको एक जैसे भाग आना चाहिए, या तो सबको वैराग जैसे भाग आना चाहिए, या फिर सबको राग आना चाहिए, लेकिन सबके अपनी उपादानगत योग्यता के अनुसार निमित्त बना और उन्होंने अपने परिणमन किया। यह तो आध्यात्मिक दृष्टि से बात, लौकिक दृष्टि की अपेक्षा से बात करें तो एक उदाहरण देना यहां पर शक्य नहीं है। मूल बात यह है कि ग्रहित मिथ्या से संबंधी जितनी भी मान्यताएं हैं वह सब निमित्त उपादान संबंधी भ्रांतियां हैं। अब उसमें आप अपने स्तर पर लगा लो तो पेपर में जाने से पहले एक बार भगवान के मंदिर के दर्शन करना, घर पे हो तो एक बार दही खा करके जाना, वो सब आपका चलता है, वो सब लगा के देख लेना। ये सब बिल्ली रास्ता काट जाए और लोग बार रुक जाते हैं, आपने देखा हो कई बार रास्ते में, ये सब क्या है?
ये सब उस ग्रहित मिथ्यात्व की गहरी मान, ये तो मैं बहुत ऊपर ऊपर से बात कर रहा हूँ, यहीं पर इसका खंडन हो जाता है। एक बिल्ली आपका हित का कारण हो सकती है, एक बिल्ली जो अपना रास्ता क्रॉस करके निकली है वो 10 लोगों के हित का कारण हो सकती है, 100 लोग एक बस में बैठे हैं उन 100 लोगों के हित का कारण हो सकती है, यही पर इस बात का खंडन हो जाता है। पहले स्तर पर इस बात का खंडन हो जाता है कि हम जिनको ग्रहित मिथ्यात्व संबंध नहीं मानता है वो हमारे एक हित का कारण नहीं है। जो उपादान जो पकती है तो उस टाइम पे सहजी जो निमित्त बनते हैं पर पदार्थ का सहयोग बनता है वह निमित्त उपादान की सही व्यवस्था है। ना निमित्त की सत्ता का इंकार करना ना उपादान को सर्वथा ग्रहण करना, दोनों के मिले जुले होने से जो कार्य होता है, जो कार्य संपन्न होता है, ऐसे उस आत्मा के कार्य को हम करें, मोक्ष रूपी लक्ष्मी को प्राप्त करें, इसी मंगल भावना से होगी की बात को ग्रहण। बहुत बहुत धन्यवाद भाई प्रतीक जैन को, जिन्होंने अपने विषय पर समुचित वक्तव्य प्रस्तुत किया। जैसा कि आप सभी विद्यार्थियों को पहले पूर्व सूचित कर दिया गया था कि गोष्ठी के बीच में किसी भी विद्यार्थी से मुख्य बिंदु पूछ लिए जाएंगे, उसके लिए मैं आवाज देना चाहता हूँ शास्त्री द्वितीय वर्ष से भाई सिद्धार्थ लुकवासा को कि वे आए और भाई अरंत जैन के विषय संबंधी कुछ मुख्य बिंदु प्रस्तुत करें। बिंदु के लिए मैं आवाज देना चाहता हूँ शास्त्री प्रथम वर्ष से भाई आयुष जैन को पिपरिया गोयाए और अरंत जैन के मुख्य बिंदु विषय के कुछ मुख्य बिंदु प्रस्तुत करें। आप सभी विद्यार्थियों को पूर्व ही सूचित कर दिया गया था ये गोष्ठी इन नौ वक्ताओं के लिए या मंचासीन हमारे अतिथियों के लिए या संयोजक या संचालकों के लिए संचालित नहीं की जा रही है। ये गोष्ठी का उद्देश्य सिर्फ आप सभी विद्यार्थियों को इस विषय से परिचित कराने के लिए यहाँ पर संचालित हो रही है। आप लोगों को बिल्कुल सुव्यवस्थित रूप से अपनी डायरी में नोट करने की आवश्यकता है। मैं अनंत जैन के विषय संबंधी मुख्य बिंदु के लिए बुलाना चाहता हूँ शास्त्री द्वितीय वर्ष से भाई नयन जैन को कि वे आए और कुछ मुख्य बिंदु प्रस्तुत करें। आप सभी विद्यार्थी आगे से अगली गोष्ठियों में इस बात पर विशेष ध्यान दें, अन्यथा आप पर उचित दंड व्यवस्था करी जाएगी। अरंधजन का विषय था कार्य का नियामक कारण कौन। शुरू में इन्होंने बात की बोला था कारणानि विधायित्वादेव कारणानाम कारणानि विधायनी कार्याणि। उसके बाद बताया कि कार्य की परिभाषा बताई थी, पदार्थों के परिणमन को ही कार्य कहते हैं, उस कार्य को ही निमित्त की अपेक्षा से नैमित्तिक और उपादान की अपेक्षा से उपाधेय कहा जाता है। दो तरह के उपादान की चर्चा की, त्रिकाली उपादान और क्षणिक उपादान। उसमें से बताया कि त्रिकाली उपादान कार्य का नियामक कारण नहीं है, क्योंकि यदि त्रिकाली उपादान को कार्य का नियामक कारण माना जाए तो उसकी उपस्थिति में सदाकाल कार्य की उत्पत्ति होनी चाहिए। क्षणिक उपादान में दो भेद किए, तत्समय की योग्यता और अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय। वहां पर अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय जो है वो भी कार्य का नियामक कारण नहीं है, इसको लब्धियों के प्रकरण से बहुत अच्छी तरह स्पष्ट किया था। तो विषय का निष्कर्ष ये निकाला था कि कार्य का नियामक कारण एकमात्र क्षणिक उपादान ही है। इस प्रकार से अरंत जैन के विषय के मुख्य बिंदु थे। जय जैन, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई नयन जैन को। मैं समझता हूँ कि अभी तक आप लोग निमित्तोपादान इस विषय से काफी परिचित हो चुके होंगे। जैसा कि आपने अभी आदरणीय दादा के चलते हुए प्रवचनों में सुना ही होगा, जो प्रवचन सार विषय पर चले थे शिविर में, दादा ने एक बात कही थी कि जिस प्रकार संस्कृत पढ़ने वाले और पढ़ाने वालों के विषय संदर्भ में एक बात आती है कि उनका कहना है कि जिसने प्रत्यय समास संधि आदि नहीं पढ़े हों उसको कन्या नहीं देनी चाहिए, तो उसी संदर्भ में दादा ने अपने जैन दर्शन को आगे बढ़ाने के लिए एक बात ये कहा था कि जिसने क्रमबद्ध पर्याय निमित्तोपादान न्याय चक्र आदि नहीं पढ़े हों उसको भी कन्या नहीं देनी चाहिए। तो इस बात का आप ध्यान रखें कि आप निमित्तोपादान से परिचित होना चाहते हैं या नहीं, तो इस अगर अगर आपको कन्या चाहिए एक कहने वाली बात है
जिसको भी चाहिए हो तो वो इस विषय को अच्छे से सुचारू रूप से सुने और अपनी डायरी में अवश्य नोट करें। इसके ऊपर संस्कृत में एक छंद निबद्ध हुआ है, क्रमबद्धम न जानाति, ध्यान से सुने, क्रमबद्धम न जानाति नय चक्रम तथेव च उपादान निमित्तम च तस्मै कन्याना दीयते, तस्मै कन्याना दीयते। अभी तक जिस विषय को यहाँ पर प्रस्तुत हुआ, जो भी यहाँ विषय प्रस्तुत हुआ, जो भी यहाँ पर विषय आप सबके सामने यहाँ पर रखे गए हैं, ये जो ये विषय है ये आज समाज में सभी शांत रहे, जो ये विषय है ये समाज में आज घर घर, हर मंदिर मंदिर, हर गली मोहल्ले में इस विषय की चर्चा आए दिन होती रहती है। तो ये विषय आया कहाँ से समाज में, उसके मूल उद्घाटक कौन है, इस विषय को प्रस्तुत करने के लिए निमित्तोपादान उद्घाटक पूज्य गुरुदेव श्री, इस विषय को प्रस्तुत करने के लिए मैं आवाज देना चाहता हूँ शास्त्रीय तृतीय वर्ष से भाई संकित जैन, और ये इस गोष्ठी के अंतिम वक्ता भी हैं, इनका स्वागत करते हैं भाई संकित जैन। ओम नमः सिद्धिव्य। सम्मानीय मंच एवं सभा में उपस्थित सभी साधर्मियों को सादर जय जिनेंद्र। मैं आपके समक्ष निमित्तोपादान उद्घाटक पूज्य गुरुदेव श्री इस विषय को लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। तो यदि अन्य सभाओं में होते तो इस विषय पर भी विवाद हो सकता था कि क्या मात्र गुरुदेव ने ही इस विषय को बताया है, गुरुदेव के पहले किसी अन्य ने निमित्तोपादान विषय का मतलब नहीं बताया था, तो अगर यदि बताया था तो गुरुदेव को आपने उद्घाटक क्यों कहा। तो इसके अनेक कारण हैं। गुरुदेव के पहले भी अनंत तीर्थंकरों ने, आचार्यों ने निमित्तोपादान नहीं, पूरी वस्तु स्वातंत्र, पूरी वस्तु व्यवस्था पर अपने विचार या दिव्यधनी इत्यादि में आया है, लेकिन गुरुदेव को इसलिए कहा गया क्योंकि गुरुदेव के पहले लगभग 100 साल तक कोई ऐसा महापुरुष नहीं हुआ, 100-200 साल तक कोई ऐसा महापुरुष नहीं हुआ जिसने इन सब इत्यादि निमित्तोपादान इत्यादि विषयों पर अपने विचार प्रस्तुत किए हों। या परिभाषाएं तो सब जगह ग्रंथों में थी लेकिन उसका जो वास्तविक स्वरूप है प्रैक्टिकल रूप से हमें बताया हो, तो यह सब हमें किसने बताया, गुरुदेव ने। इसलिए ही गुरुदेव को युग पुरुष या युग सृष्टा कहा गया। तो निमित्तोपादान का उद्घोषक उद्घाटक गुरुदेव को मात्र इसी अपेक्षा से कहा गया है कि उन्होंने हमें जन जन को इस बात से परिचित कराया, निमित्तोपादान विषय से परिचित कराया। और फिर इसके तो फिर गुरुदेव ने कुछ नहीं किया, जब अनंत तीर्थंकरों ने, आचार्यों ने इस बात को बता दिया था तो क्या फिर गुरुदेव ने कुछ नहीं किया, तो ऐसा नहीं है। गुरुदेव ने क्या किया कि वह संबदिया का जो रोल था वह गुरुदेव ने निभाया। किस प्रकार की, अनंत तीर्थंकरों की वाणी को संबदिया क्या कर रहे होता है कि वह हमारी एक की बात को दूसरे तक पहुंचाता है, वह बीच का जो मूल स्रोत होता है उसे संबदिया कहते हैं। तो गुरुदेव ने क्या किया कि अनंत तीर्थंकरों की, आचार्यों की वाणी को, उनके स्वरूप को, उसके मर्म को हमारे तक पहुंचाया, इसलिए हम गुरुदेव को निमित्तोपादान का उद्घाटक कह रहे हैं। और अन्य लोग जो होते हैं अन्य धर्मों में क्या था उस समय, यह बात बहुत रूप से प्रचंड रूप से सामने थी कि लोग ईश्वर को कर्ता मानते थे और इससे बात नहीं बनी तो अपने में कर्मों को कर्ता मानते थे, इत्यादि अनेक विषय उस समय ज्वलंत थे। तो फिर गुरुदेव जब थे, गुरुदेव ने इस बात निमित्तोपादान में से इस बात को प्रस्तुत किया कि निमित्त ईश्वर तो कर्ता है ही नहीं, कर्म भी कर्ता नहीं है, और जो स्वयं है वही स्वयं के परिणामों का कर्ता नहीं है। इस प्रकार उस समय मूल में भूल इत्यादि अनेक किताबें इस विषय को स्पष्ट करने के लिए गुरुदेव के प्रवचनों के आधार पर ही प्रकाशित की गई, क्योंकि यह बात आश्चर्य की है कि स्वयं की स्वतंत्रता को बताने के लिए पुस्तकों का प्रचारण किया गया, क्योंकि निमित्तोपादान से क्या कि हम स्वयं ही अपने नियामक कारण है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है। इसके बाद नास्ति सर्वोपि संबंधा परद्रव्य आत्मतत्त्वयोः हो, अर्थात स्वद्रव्य मात्र मेरा आत्मा है, मेरे लिए स्वद्रव्य है और अन्य सभी मेरे लिए परद्रव्य है, तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का भी कर्ता नहीं है। यह बात नास्ति सर्वोपि संबंधा परद्रव्य आत्मतत्त्वयोः में से गुरुदेव ने निकाल कर हमें बताई। तो फिर जब यह हो गया कि जब कोई एक दूसरे का कर्ता नहीं है तो फिर आप गुरुदेव की बात क्यों सुनने जा रहे हो, गुरुदेव के उपदेश को क्यों सुनने जा रहे हो, जब कोई का किसी का उपदेश या कोई किसी का कुछ नहीं कर सकता तो फिर आप गुरुदेव को सुनने क्यों जा रहे हो। तो उस समय के जो विद्वान थे उन्होंने यह कहा कि हम इसलिए गुरुदेव को सुनने जा रहे हैं कि हमें यही सुनना है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, हमें इस बात का यदि निर्णय करना है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है तो हमें गुरुदेव को सुनना ही पड़ेगा। और फिर जब मिथ्यात्व के जो मूल कारण जो बुद्धियां कही गई है, एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तत्व, इन सब बुद्धियों का निराकरण जब गुरुदेव ने निमित्तोपादान के माध्यम से कहा, तो जब लोगों में, क्योंकि यह होता है कि हम किसी का भला करें किसी का बुरा करें या इत्यादि, यह बात लोग में बिल्कुल कर्तृत्व बुद्धि की जो बात है वह बहुत सक्रिय रूप से है, तो फिर गुरुदेव ने क्या इसमें से जब बताया किसी का कर्ता नहीं है तो लोगों ने तात्विक दृष्टि पर तो ध्यान नहीं दिया, तात्विक दृष्टि पर तो कि गुरुदेव हमारे हित की बात कर रहे हैं इस पर तो किसी ने ध्यान नहीं दिया, उल्टा कुछ लोग जो थे उन्होंने विरोध किया और
इस प्रकार उन्होंने निमित्त उपादान के जो तात्विक स्वरूप था उसको बिल्कुल नहीं समझा। फिर इसकी पराकाष्ठा गुरुदेव ने किस प्रकार कि निमित्त उपादान का उद्घाटक जो गुरुदेव को कहा गया है उसकी पराकाष्ठा तब हुई जब गुरुदेव ने यह बताया कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता तो है ही नहीं, स्वयं की पर्यायों का भी कर्ता नहीं है, समय दर्शन आदि पर्याय का भी कर्ता जीव नहीं है, केवल ज्ञान आदि पर्याय का भी कर्ता जीव नहीं है, वह सब तब समय की योग्यता से होंगे और स्वयं की उपादानगत योग्यता से होंगे। प्रवचन सार की स्वयं 16वीं नंबर की जो गाथा है स्वयंभू की, उसमें क्या कह दिया कि स्वयं की पर्यायों का कर्ता जीव स्वयं है, स्वयं की पर्यायों कर्ता जीव स्वयं है, यह बात गुरुदेव ने बताई। जब इस बात का निषेध किया अन्य अन्य मतों का निराकरण करना था तो इस बात का निषेध कर दिया कि अन्य एक द्रव्य के कर्ता दूसरे द्रव्य नहीं है। फिर जब इसके बाद स्वयं की उपादानगत योग्यता बताने की बात आई तो फिर उन्होंने इस बात को बताया कि जीव स्वयं की भी पर्यायों का कर्ता जीव नहीं है, मैं स्वयं हूं तो फिर अन्य निमित्तों को खोजने की आकुलता क्यों। जब इस बात का जो विषय है वह समाज में जब गुरुदेव श्री ने स्पष्ट किया तो इस प्रकार अनेक प्रकार के जो विवाद हैं वह बने, लेकिन गुरुदेव ने उन सभी विवादों का उन सभी मान्यताओं का स्पष्ट रूप से निराकरण करते हुए और निमित्त निमित्तोपादान इस विषय को हमारे समक्ष प्रस्तुत किया। तो क्या गुरुदेव को यह बात दिगंबर धर्म में आने की बात पता चली, तो भी ऐसा नहीं है। उनके श्वेतांबर जब वह श्वेतांबर थे उस समय के भी उदाहरण आते हैं कि उनके जो हीरालाल भाई उनके गुरु थे तो वह हमेशा अपने प्रवचनों में कहते थे जो तारे सो तरे, जो तारे सो तरे। तो गुरुदेव ने कहा हीरालाल भाई एम नथी, जो तरे सो तारे, ऐसा है कि जो स्वयं पहले तर जाता है, जिसने स्वयं अपने स्वभाव का ज्ञान कर लिया है, अपनी उपादानगत योग्यता का ज्ञान जिसे हो गया है, वह बाद में दूसरों को तारने में निमित्त हो सकता है। इस प्रकार गुरुदेव श्री ने मात्र निमित्त उपादान का ही उद्घाटक नहीं किया, निमित्त उपादान उद्घाटक ही नहीं है पूज्य गुरुदेव श्री, उन्होंने जैन धर्म के दिगंबर धर्म की सत्यता को उद्घाटित किया है, संपूर्ण दिगंबर धर्म की सत्यता को पूज्य गुरुदेव श्री ने उद्घाटित किया है। इस प्रकार हम सब भी दिगंबर धर्म की सत्यता को पहचान कर अब स्वयं की उपादानगत योग्यता को समझें और मोक्ष रूपी लक्ष्मी का वरण करें। इसी मंगल भावना से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हमारे लिए परम श्रद्धेय गुरु उपेक्षा पूजनीय पूज्य गुरुदेव श्री ने जिस विषय को इतनी जोर शोर से उद्घाटित किया, इन विषयों को लेने की आवश्यकता क्यों है? तो दादा कहती है कि ये विषय समाज में आज तक उठे ही नहीं है, इन्हें लोग जानती नहीं है कि हमने किस प्रकार पढ़े किस प्रकार नहीं पढ़े, मतलब कि पूरे क्रमवाइज विषय को अगर किसी ने एकमात्र इस धरती पर अभी तक मतलब कि इस शताब्दी में कोई पुरुष हुआ है तो वो पूज्य गुरुदेव श्री है, और इसीलिए हम पूज्य गुरुदेव श्री को पूजनीय है क्योंकि वो हमारे गुरु अपेक्षा पूज्य है, इसलिए हम उनको इतना बहुमान करते हैं। ऐसे निमित्त उपादान के उद्घाटक पूज्य गुरुदेव श्री के विषय को प्रस्तुत किया भाई संकेत जैन ने, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी इस गोष्ठी के अंतिम वक्ता थे, ना किसी के स्वभाव में ना किसी के अभाव में जिए, ना किसी के प्रभाव में जिए, हम ना किसी के अभाव में जिए ना किसी के प्रभाव में जिए, और निमित्त उपादान के स्वरूप को समझकर हम अपने स्वभाव में जिए। ऐसे स्वभाव में जीने की प्रेरणा देने वाले इन नौ वक्ताओं के लिए मैं चाहता हूं कि एक बार आप सभी जोरदार कल्पना मनीषण का स्वागत करेंगे, क्योंकि और अब मैं मंचासीन महोदय की तरफ आता हूं। यह गोष्ठी आपको कैसी लगी, इस गोष्ठी में क्या त्रुटि रही और आगामी गोष्ठियों में हम क्या सुधार कर सकते हैं, कैसे आयोजित कर सकते हैं? मैं इस गोष्ठी के निर्णायक आदरणीय प्रमोद जी भाई साहब से निवेदन करूंगा कि वो आए और अपना वक्तव्य प्रस्तुत करें। आदरणीय प्रमोद जी भाई साहब। ओम नमः सिद्धेय। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, विशिष्ट अतिथि महोदय, उपस्थित विद्वजन भाइयों बहनों, अनुजों, निमित्त उपादान विषय पर बहुत ही ज्ञानवर्धक गोष्ठी का आयोजन यहाँ किया गया। सभी वक्ताओं ने बहुत ही आत्मविश्वास और सुंदर प्रस्तुतिकरण के साथ में अपने विषय को प्रस्तुत किया। सबसे खास बात यह है कि सभी वक्ताओं को विषय की अच्छी समझ थी, उन्हें निमित्त के संदर्भ में विषय का बहुत ही अच्छा और सच्चा ज्ञान हुआ, यह अपने आप में एक बहुत ही प्रशंसनीय बात है।
क्योंकि सामाजिक परिवेश ऐसा है कि ज्यादातर जैनेतर ही नहीं बल्कि जैन लोगों को भी निमित्त उपादान के विषय का स्वयं बड़े बड़े विद्वानों को भी सच्चा ज्ञान और सच्ची समझ नहीं है। इस स्थिति में छोटे छोटे वक्ताओं के द्वारा अपनी समझ को सम्यक बनाते हुए और सुंदर प्रस्तुतिकरण दिया जाना बहुत ही प्रशंसनीय है। मैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की तरफ आप सबका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। नियामक कारण नियामक के संदर्भ में कुछ एक दो बातें हमें विचारणीय हैं। तत्समय की योग्यता ही कार्य का नियामक कारण है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन दूसरा क्षणिक उपादान कारण भी है, अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय काव्य। यहां पर भी हमें करेक्शन करने की जरूरत है। क्षणिक उपादान कारण अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय नहीं है बल्कि उस पर्याय का व्यय है। क्यों? क्योंकि जब वो अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय अभाव को प्राप्त नहीं होगी तब तक कार्य उत्पन्न ही नहीं होगा। इसलिए यहां पर वो पर्याय क्षणिक उपादान कारण नहीं है बल्कि उस अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय का व्यय, यह क्षणिक उपादान कारण है। और यह क्षणिक उपादान कारण भी एक प्रकार का नियामक है। वो किसका नियामक है? वो विधि का, माने वो प्रक्रिया का नियामक है कि कार्य किस प्रक्रिया से घटित होगा, सम्यक दर्शन रूपी कार्य होगा। तो उसके अनंतर पूर्व क्षणवर्ती जो पहले क्षण की जो मिथ्यात्व की पर्याय है या पांच लब्धियों पूर्वक जो विकसित हुई पर्याय है वह उस पूर्व तत्समय पूर्व पर्याय एक समय पूर्व की पर्याय का व्यय होगा, उसके बाद में वह सम्यक दर्शन रूप कार्य उत्पन्न होगा। तो यह अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय का व्यय, यह जो क्षणिक उपादान कारण है, यह भी नियामक है, कार्य का नियामक नहीं बल्कि उस कार्य की उत्पत्ति में जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया का नियामक कारण है। इसके अलावा एक और जो मुख्यतः त्रिकाली उपादान कारण है वह यद्यपि कार्य का नियामक कारण नहीं है लेकिन स्वभाव का नियामक है कि कार्य जब उत्पन्न होगा तो इस स्वभाव वाले द्रव्य में ही उत्पन्न होगा, अर्थात सम्यक दर्शन रूप कार्य, चेतनता रूप कार्य उत्पन्न होगा, ज्ञान दर्शन रूप कार्य उत्पन्न होगा, तो जीव द्रव्य में ही उत्पन्न होगा क्योंकि उस जीव द्रव्य में ही इस प्रकार का स्वभाव है। तो तीनों ही त्रिकाली उपादान और दोनों प्रकार के क्षणिक उपादान, इनकी नियामकता का स्वरूप भी हमें समझने की आवश्यकता है। निमित्त नियामक कारण नहीं है, इस संदर्भ में बहुत अच्छा वक्तव्य प्रस्तुत किया गया, लेकिन मेरा इस संदर्भ में एक सुझाव एक ये है कि हम निमित्त को उसके भेदों में बांटकर और फिर उसको उसकी नियामक वह नियामक नहीं है यह स्पष्ट करते तो अधिक बेहतर होता। बहिरंग निमित्त का उदाहरण दिया और ज्यादातर फोकस बहिरंग निमित्त नियामक कारण नहीं है उस पर रहा, उसके साथ साथ में अंतरंग निमित्त उसको भी अपने वक्तव्य में लेते, साथ ही उदासीन निमित्त वह भी नियामक नहीं है और प्रेरक निमित्त वह भी नियामक नहीं है। इस प्रकार से चारों प्रकार से अलग अलग प्रकार से लेते तो और अधिक बेहतर हो पाता। यहाँ एक संदर्भ एक बात बहुत ही गहराई से विचारणी और ध्यातव्य है वो यह है कि यद्यपि निमित्त जो है वह नियामक कारण नहीं है लेकिन निमित्त कोई कारण ही नहीं है, ऐसा एक वक्ता के मुंह से निकला तो यह बात सही नहीं है। निमित्त भी एक कारण है, अनिवार्य कारण है, पांच समवायों में होने वाला एक अनिवार्य समवाय है। इस अनिवार्य समवाय के बिना अर्थात निमित्त के बिना कार्य होता ही नहीं है, इसलिए निमित्त कारण ही नहीं है ऐसा हमारे मुख से नहीं निकलना चाहिए। भले ही गलती से जल्दबाजी में निकल गया हो पर हमें इस बात का अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि वह कारण है, सहचारी है, सहकारी नहीं है, माने कार्य के होने के समय में संचरण करेगा, उपस्थित रहेगा लेकिन वह कार्य का कर्ता नहीं बनेगा, यह हमें ध्यान रखना चाहिए। एक और महत्वपूर्ण बात आप सभी लोगों को बताने की है, मैं अक्सर अपनी बातों में अपने वक्तव्य में गोष्ठी में कहता हूं कि जो गोष्ठी है एक औपचारिक प्रक्रिया है, एक औपचारिक कार्यक्रम है, तो इस औपचारिक कार्यक्रम में हमें सभा की जो गरिमा है, सभा की जो विधि विधान है उसका पालन करना चाहिए। सभी वक्तव्यों को मंच को संबोधित अवश्य करना चाहिए, भले ही बहुत संक्षेप न हो लेकिन मंच को संबोधित अवश्य करना चाहिए। वक्ताओं की एक बहुत अच्छी विशेषता यह रही कि केवल निमित्त उपादान का विषय जो जिन जिन ग्रंथों में मिलता है उन जो पॉपुलर ग्रंथ हैं उन्हीं ग्रंथों से ना लेकर अध्यात्म के ग्रंथों से भी निमित्त उपादान के विषय को उठाया, समयसार इत्यादि से जोड़ा। एक वक्ता ने मुक्षमार प्रकाशक के आधार से भी कारणों के स्वरूप को स्पष्ट किया, जबकि कारणों का विवेचन निमित्त उपादान के संदर्भ में हम देखते हैं तो निमित्त और उपादान की कैटेगरी में ही कारणों को बांटा जाता है, लेकिन टोटरमल जी ने कारणों का विवेचन
नौवें अधिकार में दूसरे अंदाज में प्रस्तुत किया तो यहाँ कारणकारी व्यवस्था के संदर्भ में वह भी वक्ता ने कोट किया, तो बहुत ही अच्छा। इस प्रकार से विभिन्न ग्रंथों के माध्यम से विभिन्न डायमेंशन से अपने विषय को स्पष्ट किया गया, यह बहुत ही प्रशंसनीय और सराहनीय है। आप सभी लोगों के लिए इस प्रकार की गोष्ठी पुनः पुनः करनी चाहिए। धन्यवाद। तस्मै कन्याय न दीयते, आप लोग इस पंक्ति से भयभीत होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आरण्य भाई साहब संस्कृत के जो ज्ञान से भली भांति प्रकार परिचित कराती है, और सर्वज्ञता क्रमवत् पर्यायता एवं निमित्तोपादान नए आदि इन आध्यात्मिक ज्ञानों से भी वे परिचित कराते हैं, इसलिए भी किसी विद्यार्थी को भयभीत होने की जरूरत नहीं है कि तस्मै कन्याय न दीयते। ऐसे आरण्य भाई साहब को हम कर्तव्य ध्वनि से एक बार स्वागत करेंगे आरण्य भाई साहब को। और अब मैं अध्यक्ष महोदय से निवेदन करूंगा कि इस गोष्ठी में क्या त्रुटि हुई और हम आगे क्या सुधार कर सकते हैं, आपको ये गोष्ठी कैसी लगी, एवं साथ ही साथ दो श्रेष्ठ वक्ताओं का चयन भी आप करें। आदरणीय अध्यक्ष महोदय भाई से ओम नमो सिद्धेभ्य। सम्मानीय निर्णायक द्वय, आत्मार्थी बंधुओं, प्यारे छात्रों, आज मुझे देख कर के मेरे को सोनगढ़ का वातावरण ध्यान में आ रहा है। जब हम सोनगढ़ में जाते थे तो वहाँ पर निमित्त उपादान, सर्वज्ञता, क्रमवत् पर्याय, निश्चय व्यवहार, भाव अभाव, ऐसी गोष्ठियाँ बंगलों पर चला करती थी। आज इस जयपुर में आप लोगों का इतना अहोभाग्य है कि आपको हर महीने ऐसी गोष्ठी करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, ये एक तो बहुत बड़ी बात है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि निमित्त उपादान के ऊपर आपकी गोष्ठी बहुत महत्वपूर्ण विषय की है। ये विषय कोई सामान्य विषय नहीं है, साधारण विषय नहीं है। निमित्त उपादान को समझना मतलब कारण कार्य को समझना, निमित्त उपादान को समझना मतलब मोक्ष को समझना, मोक्ष के कारण को समझना। मोक्ष कार्य है और मोक्ष के कारण क्या हो सकता है, तो ऐसे कार्य के कारणों की चर्चा जिनवाणी में अनेक प्रकार से की गई है, जिसमें मुख्य रूप से निमित्त उपादान की बात है। तो इसमें इसको अनेक नामों से भी कहा जाता है, निमित्त उपादान, निमित्त निमित्तिक, उपादान उपाधेय आदि सब नाम। आप लोगों ने बहुत अच्छा निरूपण किया, मुझे तो बहुत प्रसन्नता हुई कि वास्तव में इतना बढ़िया सुंदर विवरण मैंने मेरी 75 साल की उम्र में जितनी भी और गोष्ठियाँ देखी है, जितनी जो मैंने देखी है उनमें इतना सुंदर ऐसे छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चों के द्वारा इतना सुंदर प्रस्तुतिकरण, विषयवार बहुत संतुलित। लिमिटेड समय में अपनी बात को पूरी रखना ये बहुत बड़ी बात है। अच्छे अच्छे वक्ता भी जो विषय लेते हैं एक घंटे में अपने विषय की पूरी प्रस्तुति नहीं दे पाते हैं। वो आप लोगों ने, आपको जो विषय दिया गया 5 मिनट में आपने उसका आदि मध्यंत सब प्रकार से भली प्रकार से उसको समझाया। लेकिन मेरा इसमें थोड़ा सा और सुझाव आप लोगों को है, जो मैंने इसमें भी लिखा है क्या कि इससे संदर्भित पुस्तकें यदि आप पढ़ते और उनका उद्धरण भी यहाँ पर प्रस्तुत करते, जैसे क्या नाम से अपने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में बनारदास जी की निमित्त उपादान चिट्ठी है ना, निमित्त उपादान चिट्ठी शायद वो है ना, उसमें भैया भगवती दास जी के दो है, वो तो है, और निमित्त उपादान की चिट्ठी भी है, तो और निमित्त उपादान आपके पुस्तक कोर्स में भी शायद होगी। तो उन पुस्तकों को आप गोष्ठी के पहले पढ़ते और उनमें से कुछ उद्धरण यहाँ प्रस्तुत करते तो शायद आपका वक्त और ज़्यादा प्रभावशाली हो सकता था, ऐसा मेरा मतलब मानना है। आप लोग इसको अपने जितनी अपनी योग्यता हो उसके अनुसार ग्रहण करना, मैं इस समय आपसे ज़्यादा कुछ नहीं कहता। मैं तो एक बात और मुझे कहना है कि निमित्त उपादान की बात की तो पहले ये समझा देना चाहिए था कि निमित्त क्या है, निमित्त क्या है, उपादान क्या है, उपादेय क्या है। पहले वक्ता ने इसको समझाने का प्रयत्न किया था, उसने
लेकिन वो भी क्या करे, समय की सीमा है। उन्होंने बहुत अच्छा प्रयास किया सबको समझाने का, लेकिन इस बात का भी खुलासा, जबकि इस जो नौ वक्ताओं ने अपने वक्तव्य दिए उसमें यद्यपि पूरा विषय सांगोपांग आ जाता है निमित्त उपादान का कारण कार्य का, लेकिन फिर भी उसमें जो प्रमुख शब्द हैं और उनसे समाज वाले परिचित होवें और उसके वास्तविक प्रयोजन को ग्रहण करें, ये हमारे इस गोष्ठी का प्रयोजन है और वो हमारे अवश्य रूप से होना चाहिए, ऐसी मेरी भावना है। वैसे सभी वक्ताओं ने बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा बोला, सुंदरतम मेरे हिसाब से तो। और हम किसको प्रथम करें, किसको द्वितीय करें, ऐसा भी कोई हमारे दिमाग में बनता ही नहीं। हमारे लिए सब प्रथम है और सब अव्वल नंबर है, लेकिन फिर भी थोड़ी हमें यहाँ बिठा दिया तो मजबूरी है क्या, और वो भी बड़ी मुश्किल से हमने इसमें अगर किसी को मतलब प्रथम किया हो, किसी को द्वितीय किया हो, तो वो ये नहीं समझे कि साहब हम तो गोष्ठी में प्रथम द्वितीय आ गए, या जिसको नहीं किया हो वो ये अपने मन में हीनता नहीं लावे कि साहब हमने तो इतना अच्छा बढ़िया बोला, वक्त दिया था और फिर भी हमारा नंबर नहीं आया। आप लोगों ने सबने एक से एक बढ़िया वक्तव्य दिया है, बहुत ही बढ़िया, और सभी सर्वप्रथम होने योग्य ही हैं, परंतु फिर भी व्यवस्था की अपेक्षा से हमारे निर्णायक जी ने जो भी आपको अंक प्रदान किए वो मैंने देखे अंक आप सब लोगों के, सबको किसी को भी 45, 46, 47, 48 से कम किसी को अंक मिले ही नहीं है। मुझे ताज्जुब होता है जब यूनिवर्सिटी में बोर्ड में जब डिस्टिंक्शन आता है 100 में से 99% आपके नंबर आते हैं, 98% आते हैं, ऐसा न्याय देखने को मेरे को मिला इस गोष्ठी में कि किसी भी छात्र को कम अंग नहीं प्राप्त हुए हैं, फिर भी एक एक दो दो नंबर या आधे आधे नंबर के माध्यम से प्रेरणा की अपेक्षा से यहाँ प्रथम और द्वितीय की मतलब जो सेलेक्शन किया गया है उसमें शास्त्री वर्ग, शास्त्री वर्ग दोनों शास्त्री वर्ग, अच्छा दोनों शास्त्री वर्ग, शास्त्री वर्ग में दूसरा नंबर आया है श्रुति जैन, उसका दूसरा नंबर है। मैं साथ में ये भी आपको बता देना चाहता हूँ कि श्रुति जैन ने अपना वक्तव्य जो दिया वो लिख करके तो लाई थी, लेकिन उसने उस लिखे हुए वक्तव्य की पूरी स्टडी की है, पहले उसने समझा है और समझने के बाद उसने उसके बिंदुओं का विस्तार से विश्लेषण यहाँ पर किया, इसलिए प्रथम नंबर आपको, द्वितीय नंबर आपको श्रुति जैन को प्राप्त हुआ है, और प्रथम नंबर प्राप्त हुआ है आपका। अब आप लोगों को तो थोड़ा उत्सुकता तो होगी बहुत ज़्यादा, लेकिन आप लोग भी अनुमान से बता सकते हैं वो प्रथम नंबर प्राप्त हुआ है मयंक जैन। बहुत अच्छा वक्तव्य था, और मैं मुझे सबसे बड़ी खुशी की बात तो है कि विषय का चयन तो सुंदर था ही सही, वो तो आयोगों ने किया ही था, लेकिन विषय की प्रस्तुति आपने टू दी पॉइंट की, ये बहुत बड़ी बात है। अच्छे अच्छे वक्ताओं में ये बात मिलती, कहीं कहीं की कोई बात को कहाँ लगा दिया, कहीं की बात को कहीं उनके घोड़ा घोड़े के लिम लिम के पीपल ऐसा लगा देते हैं, लेकिन आपने बहुत पॉइंट वस्तु की उसके अनुसार विषय के अनुसार उसका विश्लेषण किया, ये बहुत बढ़िया बात है, और आप सभी लोग बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। और मैं तो अपेक्षा रखता हूँ कि आप ऐसी गोष्ठियाँ करके और निमित्त उपादान को यथार्थ समझ करके अपने प्रयोजन की सिद्धि कर लें। इसी पवित्र भावना के साथ अपनी वक्तव्य को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आज की गोष्ठी के अध्यक्ष महोदय पंडित श्री कमलचंद जी भाई साहब को। एक बार मैं पुनः विद्यार्थियों से निवेदन करता हूँ कि पंडित जी का स्वागत करने के लिए कर्तव्य ध्वनि से स्वागत करें। मैं अध्यक्ष महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। वैसे तो हालांकि अध्यक्ष महोदय महाविद्यालय की सभी गतिविधियों से सुचारू रूप से परिचित हैं ही, परंतु फिर भी मैं ये बताना चाहता हूँ कि महाविद्यालय द्वारा इस सत्र में, इस महीने में हालांकि भी संपूर्ण रूप से अच्छी भली भांति, अभी सत्र का प्रथम महीना भी मतलब अंतिम चरण पर है, इस पीरियड में ही हमने 4 गोष्ठियों का आयोजन किया है, जिसमें से 1 गोष्ठी हम और हमारा महाविद्यालय,
द्वितीय गोष्ठी वीरशासन जयंती, तृतीय गोष्ठी अनेकांशवाद और आज चतुर्थ गोष्ठी निमित्तोपादान विषय पर यहाँ पर संचालित हुई है। इसी प्रकार आगे भी नियमित रूप से गोष्ठियों का संचालन महाविद्यालय द्वारा होता रहेगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मैं अभी यहाँ पर हमारी आज की सभा के अध्यक्षता करने हेतु हमारे निवेदन पर पधारे आदरणीय पंडित जी, हमारे निर्णायक श्री आदरणीय भाई साहब प्रमोद जी भाई साहब, तो हमारे मुख्य अतिथि श्री सुभाष जी भाई साहब का आभार व्यक्त करने के लिए आवाज देना चाहता हूँ हमारे अधीक्षक महोदय गौरव जी भाई साहब से। उससे पूर्व जो जिन विद्यार्थियों का यहाँ पर स्थान लगा है उनको मैं निवेदन करता हूँ कि वे मंच पर आए और अपना पुरस्कार आदरणीय अध्यक्ष महोदय से प्राप्त करें। मयंक जैन और शास्त्री द्वितीय वर्ष बहनश्रुति जैन आए और अपना पुरस्कार प्राप्त करें। आप सभी कर्तव्य होने से इनका स्वागत कर सकते हैं। मुख्य बिंदु बताए भाई नयन जैन ने, देवी आए और अपना पुरस्कार यहाँ से प्राप्त करें। भाई नयन जैन, मुझे लगता है शायद आपको विषय या तो समझ में नहीं आया है या आपके रुचि के अनुसार विषय थोड़ा ऊपर से निकल गया है, जो आप ताली बजाने में थोड़ा कष्ट महसूस कर रहे हैं। आप सभी वक्ताओं का उत्साहवर्धन करते रहें और जिन्होंने मुख्य बिंदु बताया उनके लिए उत्साहवर्धन करें। आभार व्यक्त करने के लिए मैं निवेदन करता हूँ हमारे अधीक्षक महोदय आदरणीय गौरव जी भाई सबसे कि वे आए और मंचासीन महानुभावों का आभार व्यक्त करें। आज की इस गोष्ठी का विषय निमित्तोपादान, जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे आदरणीय पंडित कमलचंद जी भाई साहब। कमलचंद जी भाई साहब से आप परिचित तो है ही, और विशेषकर आप परिचित रहते हो तब जब प्रशिक्षण शिविर आता है तब आप इनसे विशेष परिचित रहते हैं। प्रशिक्षण शिविर की प्रेरणा आपको डॉक्टर साहब से मिली, अर्थात अपने छोटे दादा से मिले, और तभी से वे बराबर प्रशिक्षण का कार्यभार संभाल रहे हैं और ऐसा संभाल रहे हैं कि बिल्कुल बिना गैप लिए आज तक वे प्रशिक्षण का कार्यभार बराबर संभाल रहे हैं। और गुरुदेव श्री का इनको विशेष समागम मिला और उनसे ही प्रेरित होकर, गुरुदेव श्री का समागम मिलने के बाद डॉक्टर साहब से प्रेरित होकर वे प्रशिक्षण शिविरों का अध्यापन कार्य संभालते हैं। और अभी 1961 से आप शिक्षण कार्य, अभी तक धार्मिक और लौकिक दोनों शिक्षण का कार्य आप कराते हो। आपने शैक्षणिक योग्यता में बीए और बीएड आपने शिक्षण ग्रहण किया है तथा आपका तत्वाचार्य में सहयोग रहता है। शिविर का संचालन अष्टानिका महापर्व, दशलक्षण आदि अनेक पर्वों में आपका प्रवचन कक्षा वगैरह इत्यादि के माध्यम से आपको जनजन को आप तत्व ज्ञान का लाभ देते हैं। दूसरे हमारे विशिष्ट अतिथि महोदय जो हमारे बीच उपस्थित हुए हैं, सुभाष जी कबागड़े, सांगली, महाराष्ट्र। आपने भी ICICI बैंक में सर्विस की, आपको 6 साल रिटायर्ड हुए हुए और 6 साल रिटायर्ड होने के बाद आप समय सार, प्रवचन सार, द्रव्य संग्रह, मोक्षा प्रकाशक, छड़ाला इत्यादि ग्रंथ का स्वाध्याय आप निरंतर करते हैं और यहाँ स्मारक के परिवार में अदाजी से आपका विशेष संपर्क है। अंतिम जो निर्णायक महोदय ऐसे हमारे प्रमोद जी भाई साहब से भी आप बहुत भलीभांति परिचित हैं। उपाध्याय कनिष्ठ वाले नहीं जानते होंगे लेकिन उपाध्याय वरिष्ठ वाले उनसे अध्ययन कर रहे हैं और बाकी शास्त्रीय वर्ग के विद्यार्थी हैं वो इनसे विशेष अध्ययन कर भी चुके हैं। साथ ही जब बोर्ड के एग्जाम वगैरह आते हैं या फिर कोई कक्षा वगैरह आती है तो आपका संस्कृत के लिए विशेष कक्षा या फिर एक विशेष संस्कृत पढ़ाने के लिए आपको सादर आमंत्रित करते हैं। आप आचार्य एमए और एमबीए आप उपाध्याय प्राप्त कर चुके हैं। इसके पहले बता दो, इस उपाध्याय देने से पहले आप इस महाविद्यालय के स्नातक रहे हैं, इसी महाविद्यालय में अध्ययन किया है। और लौकिक उपाध्याय में बता दो, आप राज्यपाल के द्वारा पुरस्कृत हुए हुए हैं और तत्वज्ञान में सहयोग आप दशलक्षण एवं अन्य जितने भी पर्व होते हैं उन पर्वों में आप विशेष सहयोग देते हैं। गत वर्ष दशलक्षण में आपने यहाँ पर दशलक्षण पर समय सार विषय लेकर आपने यहाँ तत्व प्रचार किया था, तत्व प्रचार में अपना सहयोग दिया था। वर्तमान में
वरिष्ठ कक्षा को अंग्रेजी का अध्यापन भी कराते हैं और स्मारक में संस्कृत का अध्यापन भी आप यहाँ पर कराते हैं। इस प्रकार से हमारे प्रमोद जी भाई साहब निर्णायक के पद पर रहे। एक आपको परिचय दिया है ताकि जो नए विद्यार्थी रहते हैं, या फिर ये भी हो सकता है परिचय देने के पीछे एक उद्देश्य रहता है। यहाँ बहुत सारे शास्त्री हैं, अपने स्नातक हैं, वो यहाँ से पढ़ करके बहुत सारे विदिशा में गए हुए, विदिशा मतलब विदिशा ने अनेक अनेक लाइन उन्होंने चॉइस कर ली है और हर लाइन में वो अपने पारंगत हुए हैं, प्रसिद्ध हुए हैं। तो उनमें से एक प्रमोद जी भाई साहब भी हैं जिनका परिचय हम देते हैं, तो उनसे बहुत सारे विद्यार्थी सलाह वगैरह लेते हैं। परिचय देने के पीछे यही उद्देश्य रहता है कि ताकि आप उनसे भलीभांति परिचित हो सके और जो भी आप जिस संबंध विषय में सलाह चाहते हो वो सलाह आप उनसे ले सके। ऐसे हमारे मंचासीन अतिथि, मंचासीन अतिथियों का हम आभार व्यक्त करते हैं। और मंचासीन अतिथि तब आए जब संचालकों ने एवं सहयोगों ने इस गोष्ठी का आयोजन किया और उस गोष्ठियों में विशिष्ट वक्ता शास्त्री वर्ग से विशिष्ट वक्ता चयन किए और उन चयन किए वक्ताओं में से भी और अधिक चयन किए हुए वक्ता जो मंचासीन अतिथि है उनने चयन किए। और ऐसे सभी का यहाँ पर हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। आप तालियां नहीं बजा रहे, चलो इन सभी का एक बार हार्दिक आभार व्यक्त करते हुए, ये जिनको सुना रहे थे ऐसे आप लोग, ये जिनको सुना रहे थे ऐसे आप श्रोता वर्ग एवं विद्यार्थी वर्ग, इनका भी एक बार हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। और अंत में अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से यह गोष्ठी संपन्न होती है। जय जय विद्यार्थी सभी यहीं पर उपस्थित रहेंगे, कुछ आवश्यक सूचना। मैं आदरणीय अध्यक्ष महोदय से निवेदन करता हूँ, मुख्यमंत्री से निवेदन करता हूँ, आदरणीय जिनेन्द्र जी भाई साहब से एवं गौरव जी भाई साहब से निवेदन है कि अध्यक्ष मुख्य अतिथि एवं मैडा महोदय शास्त्र कर उनका सम्मान करें और हम सभी कर्तव्य निगरण द्वारा उनका सम्मान करेंगे। आदरणीय जिनेन्द्र जी भाई साहब, विद्यार्थियों के लिए सूचना है कि जो उपादान नामक गोष्ठी हुई है आप इसके निबंध संस्कृत अंग्रेजी एवं हिंदी भाषा में शुक्रवार की शाम तक भोजन के समय तक आप पारस जी, सुभांशु जी और बीके जी के पास जमा कर सकते हैं। शुक्रवार के भोजन के उपरांत आपके कोई भी निबंध कविता आलेख नहीं लिए जाएंगे,